हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वी आर लाइव। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, वेक्टर्स विच इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना, इनसे जो भी आप करने वाले हो आज, वो आपको मतलब बहुत ज्यादा काम आएगा। और अगर आपने वेक्टर्स को सही मायने में पढ़ लिया ना, तो ये आपको ट्वेल्थ में मैथ्स में भी बहुत हेल्प करेगा। तो जिस तरीके से हम वेक्टर्स को करने वाले हैं, वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। वी आर गोइंग टू टेक 7 लेक्चर्स। 7 लेक्चर्स में हम पूरा वेक्टर्स खत्म कर देंगे, जो आपके पूरे फिजिक्स में काम आएगा। आई मीन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। केमिस्ट्री में भी मैग्नेटिक मूवमेंट और इन सब में काम आता है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच यूजफुल इन योर 12th स्टैंडर्ड वेक्टर्स एंड 3D। तो यार, वेक्टर्स के चैप्टर को अच्छी तरीके से करना, सारे JPP के सवाल बनाना, तभी जाके मजा आएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो बेल आइकन बज जाना चाहिए। एंड बच्चों, यार एक चीज, अगर आपको हमारी पूरी टीम को, इंडिया की नंबर 1 टीम को, जिनको 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे देखते हैं, अगर JEE लाइव डेली टीम को, हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम को अगर आप प्राउड करना चाहते हो, तो बेटा एक ही गुरु दक्षिणा है, आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए विद द हैशटैग JEE लाइव डेली। ठीक है, और बच्चों आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तुरंत, इंस्टाग्राम ट्विटर और अनअकैडमी पे। ठीक है, यहाँ पे फॉलो का बटन है, आप वो दबा सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और यूट्यूब और टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। @NamoCall इज माई ID, और स्ट्रीक मेंटेन रहनी चाहिए। आप लोग बहुत प्रोत्साहित कर देते हो हमारी पूरी टीम को, जब आप अपने इस लेक्चर में से जो आपका फेवरेट वाला पार्ट होगा, उसका वीडियो लेके या उसका एक स्नैपशॉट लेके स्टोरी में शेयर करके मेंशन करोगे @NamoCall और हमारी पूरी टीम को, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो जरूर करना, बिल्कुल मिस मत करना। उसके अलावा जल्दी से t.me/livejee अनअकैडमी JEE के ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, t.me/livejee, और बच्चों t.me/namochat। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। इस पे मैंने पूरा डिजिटल वीडियो बुक, सारा कंटेंट इसमें फ्रीली पिंड है, तो इसको जाके जरूर देख लेना, बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट व्यूड टीचर्स इन द कंट्री टुडे। खाली अनअकैडमी में नहीं, खाली IIT JEE में नहीं, उसके अलावा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। livejee.me/JEE, ये वो माइक्रो वेबसाइट है बच्चों, इट्स अ वेबसाइट जहां पे आपको सारे नोट्स और सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एवरीथिंग एट वन प्लेस। 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज वेरी सिंपल। जैसे अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपके पास फोन है और उसमें मोबाइल ब्राउजर है इंटरनेट के साथ, तो जस्ट टाइप करिए विदाउट एनी स्पेसेस, तमीज से livejee.me/JEE, एंटर मारिए, ये खुल जाएगा। गूगल सर्च मत करना अनाड़ी की तरह, प्ले करोगे लेक्चर खुल जाएगा, नोट्स को क्लिक करोगे नोट्स खुल जाएंगे, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फैशन। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो आप इससे सब कुछ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, यहां से आप JEE क्रैक कर सकते हो। हिंदुस्तान के लिए फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन है, 0 रुपीज में JEE लाइव डेली 3.0 में सब कुछ कवर होगा। उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अगर आप दोनों से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है पर्सनलाइज्ड एनवायरमेंट, लाइव क्लास एनवायरमेंट, पोल्स, लीडरबोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है, विद अ वेरी इंटेंसिव एनवायरमेंट ऑफ टेस्टिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, वीकली टेस्ट, DPBs, किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस, JEE को एक्जैक्टली सिमुलेट करना, इंडिया के टॉप टीचर्स से पढ़ना, टीचर चेंज बैच चेंज अब नहीं होगा, इंडिया के नंबर 1 बैच में पढ़ना, कोटा के टॉप एजुकेटर्स, इसके बारे में एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे, 18+ टॉप बुक्स के ऑथर्स, इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और यहां पे अगर आप बोलोगे मुझे इंडिया के नंबर 1 बैच से पढ़ना है, आप पढ़िए, उसके अलावा कोई बोलेगा नहीं मुझे तो कोटा के नंबर 1 बैच, जैसे कि बंसल्स हो गया, वाइब्रेंट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो कोटा के टॉप एजुकेटर्स भी हैं। आप ये सोचो टॉप ऑथर्स, DC पांडे सर, एन अवस्थी सर, ये सब यहां पे पढ़ाते हैं। इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट लर्न फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। ब्रतिन मोंदल लास्ट JEE 100th percentiler, ही वॉज वन ऑफ यू, ये आप में से एक था, अनअकैडमी JEE यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ बच्चा, उसके बाद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में हमारी शरण में आया, हमारे बैच में पढ़ा, पूरा एक एक क्लास अटेंड की, कुछ मिस नहीं किया, तब जाके ऐसा रिजल्ट आया, इंडिया की नंबर 1 टीम, और बेटा rank 1 से लेकर rank 1000 शायद ही कोई ऐसी रैंक होगी जो इन टीचर्स ने, अनअकैडमी के टॉप टीचर्स ने प्रोड्यूस नहीं करी, और इतनी बड़ी लिस्ट है 99.9+ percentile की, इंडिया का नंबर 1 रिजल्ट। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं, जल्दी से देखिए, अगर आप
इलेवेंथ नाइन्थ टेंथ में हो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप 12th या ड्रॉपर हो, आधा आधा साल लेट हो गए तो आप ये ले सकते हो। दिस इज फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर एक्स्ट्रा मिलते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आइकॉनिक तो वो ले लो, नहीं तो गो फॉर प्लस एंड बाद में अपग्रेड कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नमो या नमो लाइव अगर आप ये कोड या पासवर्ड यूज करते हैं स्पेशल क्लास आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके अलावा यूसैट प्रोडिजी हर जगह एक्सेस के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो, फ्री में मिलेगा और यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। यन अकेडमी पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देता है हर जगह। बोथ ऑफ दीज कोड्स आर कॉन्फिगर्ड फॉर दैट। चलो स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सो वेक्टर्स लेक्चर वन, आज खाली हम वेक्टर्स को फील करेंगे एवरीवन। आज खाली हम वेक्टर्स को फील करेंगे और ऐसा फील कर लेंगे कि आपने कभी किया ही नहीं होगा जैसा फील। एंड एग्जैक्टली मार्क माय वर्ड्स, जैसा आपने कभी फील नहीं किया होगा वैसा आप फील करोगे, और करते हो तो आप डेफिनेटली एंड में कमेंट्स में लिखना। एंड माइंड माय वॉइस, गला बैठा हुआ है बट इरादे बुलंद है, ठीक है। आई कुडंट हैव मिस्ड दिस लेक्चर फॉर द वर्ल्ड। तो यार अगेन तबीयत ठीक नहीं है, बट अगेन डोंट वरी गाइस, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जेक लाइव डेली जाता था, जाता है और जाता रहेगा, है ना, मरते दम तक जाता रहेगा। एंड अगेन उसी जज्बे को अलाइव रखने के लिए, उसी फीलिंग को अलाइव रखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, अभी के अभी वो बटन दब जाना चाहिए। उसके अलावा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आपने बस यही पढ़ा है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जिसकी टेल होती है, जिसकी हेड होती है, एक एरो होता है, ज्यादा लंबा वेक्टर मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड। ओ तुम एक चीज पे कितना फोर्स लगा रहे हो, तुम उस पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन इतना बड़ा है, ओ माय गॉड, तो इसका मतलब 2.5 इसका आधा होगा, Oh my God, length बताती है मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर का, है ना। और ये बताता है, एरो बताता है कि फोर्स लगा कहां रहे हो। फोर्स एक एग्जांपल है, फोर्स बहुत अच्छा एग्जांपल है, फोर्स बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब यार ये एरो बताएगा कहां पे लगा रहे हो, एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है ना। तो यार ये इसका डायरेक्शन बताता है जहां पे इसका हेड पॉइंटेड होता है, ठीक है ना, और इसकी लेंथ बताती है कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है। ओ बहुत फोर्स है तो बड़ा वेक्टर बनाएंगे हम, ठीक है। मैग्नीट्यूड, ये टेल है, ये हेड है, सिंपल सी बात है, वेक्टर की फील आ गई। तो जिसमें ये लगाया जाता है वो वेक्टर होता है, कुछ वेक्टर होते हैं कुछ नहीं होते हैं। अब ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर का नोशन भी, नोटेशन भी देख लो। जब अगर मैं ये वेक्टर लिखता हूं, एवरीवन प्लीज सी, अगर मैं इस वेक्टर को लिखता हूं, ठीक है, सो दिस वेक्टर ए से बी जा रहा है, इसीलिए इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए से बी जा रहा है, एरो ऐसे लगा दो, एरो ऐसे लगा दो। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने, एवरीवन ध्यान से देखो, अगर मैंने एक और वेक्टर बनाया और यहां पे मैंने ए भी लिखा था, यहां पे मैं उल्टा लिख देता हूं सी डी, मतलब मैं दिखाने के लिए, ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज डी सी वेक्टर, डी से सी, इसको आप ऐसे डिनोट करोगे, डी से सी वेक्टर, ये इसको, ये इसका नाम हो गया, इस वेक्टर का नाम हो गया डीसी वेक्टर, ये नाम देने का है। बट अगेन आज हम उतनी डिटेल में जाएंगे ही नहीं, आज हम उससे भी भयानक चीजें कर लेंगे एंड ट्रस्ट मी मजा आएगा, मजा आना बहुत जरूरी है। हैशटैग जेई लाइव डेली, हैशटैग सारा इंडिया बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, हैशटैग फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, हैशटैग लेट्स क्रैक इट। तो यार ये हमारे सारे हैशटैग्स हैं, बट एक और हैशटैग है, हैशटैग बॉर्न फॉर ग्रेटनेस, हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो दिस। और बच्चों इन सब से आप इसको शेयर करना और आज हल्ला हो जाना चाहिए, माइंड माय वॉइस सॉरी। चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे मैंने लेंथ, इसकी लेंथ मैं मेजर कर सकता हूं, इसका वेट मैं मेजर कर सकता हूं, इसकी सुंदरता नहीं कर सकता ना, है ना, समझ गए मेरी बात, है ना, समझ गए मेरी बात। तो यार ये नहीं कर सकता मेजर, है ना, ये कितना कपटी है ये मेजर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं है, वो तो अलग बात है, बट हाँ आप समझ गए, इस चीज को मैं मेजर कर सकता हूं, इन काफी सारी चीजों को, इसकी लेंथ को, इसकी वॉल्यूम को, बट क्या चीज मैं मेजर नहीं कर सकता, है ना, इसकी सुंदरता, है ना, समझ गए मेरी बात। इसकी काइंडनेस मेजर नहीं कर सकता मैं, कितना काइंड है, समझ गए। तो ये सारी फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आई थिंक आपको समझ में आ गई। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज विच यू कैन मेजर, जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं और हम उन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। तो पहली चीज एवरीवन, सबसे पहले देखिए प्रेशर, प्रेशर आप मेजर कर सकते हो मैनोमीटर के साथ, हाइट आप मेजर कर सकते हो स्केल के साथ, हाइट, मास को आप मेजर कर सकते हो, 3 किलो का मास है, 4 किलो का मास है, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर को कर सकते हो, टाइम को कर सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, वेलोसिटी, फोर्स और पता नहीं क्या क्या नाम शनाम, दीज आर ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, दैट इज वाई दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को भी, ये तो तुमने पढ़ रखा था यूनिट्स एंड डायमेंशन में, यूनिट्स एंड डायमेंशन में तुमने पढ़ रखा था फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फिजिकल भी दो टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर,
एक होती है स्केलर, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है सर, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, जहां पे एरो बनाना पड़ता है, ठीक है, कि ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है यहां पे ऐसे, समझ गए मेरी बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मुझे मास की बात करनी है, कितने का मास है, ओ ये है सर, मैं लिख देता हूं यहां पे, ध्यान से देखो, मैं लूंगा 5 kg सर, मैं बोलूंगा सर ये तो 5 kg का है, तो मैंने लिख दिया, तो 5 kg लिखा है बस, ये थोड़ी लिखा है 5 kg इस डायरेक्शन में सर, 5 kg अब आपके घर पे, 5 kg उसके घर पे, 4 kg ऐसा थोड़ी है, 5 kg है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, है ना। एक ग्लास में तुमने पानी भरना है, एक ग्लास में वॉल्यूम में तुम्हें पानी भरना है, या शरबत है ना, रूअफजा भर दिया तुमने, ठीक है, इसमें रूअफजा भर लिया, तो तुमने लिख दिया कितना है ये, यह है 300 ml, 300 ml, ठीक है, 300 ml इसकी वॉल्यूम है, इसका मास 5 kg है, ये स्केलर के एग्जांपल है। ऐसे थोड़ी बोलूंगा वॉल्यूम यहां पे 300 है, वॉल्यूम यहां पे 300 है, ये नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। ये डंबल, ये डंबल कितने का है, ये डंबल नमो सर ये 10 kg का डंबल है, ये 10 kg का डंबल है, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, आप समझ गए, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं, बिंदास सर मजा आ गया है ना, समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अब देखिए ये जीप है, मजाक नहीं कर रहा बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपको प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, बस ध्यान से पढ़ते रहना, 3 डॉटों में हम जिस तरीके से जाने वाले हैं मजा आ जाएगा, ठीक है एवरीवन। और इसको जल्दी से शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर हो जाना चाहिए सोशल मीडिया पे एवरीवन। इसको देखिए ये जीप है, ये जीप इसके पहिए चल रहे हैं, दिख रहे हैं ना, मैं बोलूंगा ये यहां पे जा रहा है, अब देखो मैंने एरो मार्क कर दिया, मैं इसकी वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना चाहता हूं और एक्सेलरेशन के, और इसकी रफ्तार बढ़ती भी जा रही है, तो मैंने इसका एक्सेलरेशन मार्क किया 2 m/s², ये मैंने इसका एक्सेलरेशन दे दिया, मैंने इसको वेलोसिटी भी दे दी, अभी इस इंस्टेंट में नमो सर इसकी वेलोसिटी है 2 m, 2 नहीं इसको फोर ले लेते हैं, 4 m/s सर, 4 m/s की स्पीड है इसकी, और हर सेकंड ये 2-2-2-2 से बढ़ रहा है, हर एक सेकंड ये 2-2-2-2 से बढ़ रहा है, 2 m/s एवरी सेकंड, एक्सेलरेशन भी यहीं पर है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, अगले सेकंड के बाद 6 हो जाएगी, हो जाएगी। तो यार तुम देखो यहां पे मैंने एरो ड्रॉ किया है, एरो भी किया है, मतलब ये वेक्टर है, नेसेसरी है ना, अगर एक्सेलरेशन यहां पे होता तो स्पीड कम हो रही होती और तुम्हारी जीप, अरे यार गाड़ी का यहां पे गाड़ी नहीं है, कोई नहीं है ना, इसको अपन गाड़ी बना लेते हैं, तुम्हारी जीप यहां पे जा रही है फोर्स से और यहां पे जा रही है, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं एवरीवन, आई होप तुम समझ पा रहे हो, ये दो अलग अलग चीजें हैं, यहां पे जा रही है, यहां पे जा रही है, दो अलग अलग चीजें हैं, गुलाबी दिलाते रहने चाहिए, अच्छे लग रहे हैं यहां से, दूर से दिख रहे हैं, चलो समझ गए मेरी बात। अब ये इस पे फोर्स मार रहा है, ये भाई साहब इस पे फोर्स मार रहा है ऊपर, है ना, कहां पे मार रहा है फोर्स भाई, कहां पे मार रहा है, ओ तू यहां पे दम लगा रहा है, ओके ये यहां पे दम लगा रहा है, कितना लगा रहा है, कुछ तो लगा रहा है, ठीक है, कुछ तो वेरिएबल है, वेरिएबल है, इट्स अ वेरिएबल, कभी कभी 10 लगा रहा है, कभी 5 लगा रहा है ना, ठीक है, ले जा नहीं पा रहा है, बट ये फोर्स कहां लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है ये आदमी फोर्स। तो यार तुमने ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे खींचता तो नीचे जाता बट ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर लगाता हुआ फोर्स, तो इसीलिए ये वेक्टर है, वेक्टर को रिस्पेक्ट देना होता है क्योंकि वेक्टर में होता है डायरेक्शन। जिसकी भी लाइफ में तुम्हें पता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं है ना, कोई जना सक्सीड करता है और कोई जना सक्सीड नहीं करता, दोनों में फुर्ती है, दोनों में फुर्ती है, बट एक में डायरेक्शन होता है कि यार तुम कहीं भी भागे जा रहे हो, डायरेक्शन में भागो यार, है ना, मूवी में डायरेक्टर अच्छा नहीं होता तो पता नहीं अलग ही डायरेक्शन ले लेती है मूवी, ऐसी कई सारी मूवियां देखी होंगी तुमने और फिर बोल दो डायरेक्शन ही नहीं था, क्या डायरेक्शन था, ऐसे थोड़ी सलमान खान को रख लिया है ना, शाहरुख खान को रख लिया तो मूवी हिट हो जाती है, डायरेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना कि ऐसे कर, समझ गए मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेक्टर को रिस्पेक्ट देना होता है क्योंकि उसमें होता है डायरेक्शन, तुम्हें पूरा साक्षात बनाना पड़ता है। अब ये सबसे गंदा एग्जांपल, ये आईसीएसई वाले ना माथा खा जाते हैं, आईसीएसई वाले ज्यादा पढ़ के आते हैं ना सीबीएसई वालों से, सीबीएसई वाले मस्त होते हैं ये, ऐसे है ना, सीबीएसई ऐसे ग्रो करता है, ठीक है, 11th 12th में है ना, 11th 12th में ऐसे ग्रो करता है ना, आईसीएसई भाई साहब पहले से ऐसे पहुंच जाता है ऊपर लॉगरिथमिक की तरह, ठीक है ना। तो समझ गए मेरी बात, आई पर्सनली लाइक सीबीएसई, मैं दोनों में रह चुका हूं वैसे, ठीक है, मैं दोनों में रह चुका हूं, मुझे लगता है नेचुरल कर्व होता है, ठीक है। अब देखो स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड क्या होता है, स्पीड यहां पे स्पीड कितनी दिख रही है जल्दी बताओ, ओ बहुत ज्यादा स्पीड है यार, है ना 240, ओ माय गॉड 240 km/h, ये स्पीड दिख रही है तेरे को, ये स्पीड दिख रही है तेरे को, मतलब स्पीडोमीटर में कभी डायरेक्शन होता है, तेरी मम्मी जानती है कि तू ऐसे 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 घूम घाम के घर पे आएगा,
तेरी मम्मी तेरे को क्या बोलेगी, ओवर स्पीडिंग मत कर लेना है ना, 50 के ऊपर तू मत चला लेना, नहीं तो गाड़ी ले लेंगे तेरे से, ठीक है ना वो अलग बात है, जिंदगी ना छोड़ दे यार बच्चा, एवरी वन प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तुम लोग स्पीड करते हो ना टू व्हीलर, मत क्या करो, देखो स्पीड स्पीड कहीं पर भी तुम जा रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें खाली वैल्यू से मतलब है, तुम्हारी मम्मी को मतलब नहीं है तुम कहां जा रहे हो, बट वो ये बोलेंगी तुम्हें कि यार तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें क्या बोलेंगे, ओवर स्पीड मत करना। स्पीडोमीटर में खाली वैल्यू होती है, खाली वैल्यू होती है, खाली वैल्यू होती है, ठीक है। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क होता है, वेलोसिटी में मुझे बताना पड़ता है कि मैं कहां जा रहा हूं, है ना, कैप्टन से पूछा जाएगा, कैप्टन से पूछा जाएगा, है ना, तुम्हारी मम्मी पूछेगी कितनी स्पीड से चला रहा है, बोलेगा मम्मी मैं तो 49 पे चला रहा हूं, ठीक है, वैसे तू चला रहा होगा 150 पे, ठीक है, बट तू बोलेगा 49, ठीक है। बट अगर तू रॉकेट चला रहा है, अगर तू रॉकेट चला रहा है तो तेरे से ये नहीं पूछेगी स्पीड कितनी है, पागल है क्या, रॉकेट तो तेजी चलेगा, तुझसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर वेलोसिटी, सो यू विल से यू नो व्हाट माई वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, तुम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और मतलब सारा डायरेक्शन दे दोगे तुम, है ना, कि अर्थ से तुम इस एंगल पे जा रहे हो, मार्स की तरफ है, जहां भी जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा कि यार मेरा है ना वेलोसिटी में, तुम बोलोगे एवरी वन प्लीज अंडरस्टैंड, तुम बोलोगे मेरी ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और ये अलग चीजें हैं, ये और ये अलग चीजें हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, बट अगेन रॉकेट के लिए ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है ना, स्पेस में ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये अलग अलग चीजें हैं बच्चों, ये अलग अलग चीजें हैं, ये वेलोसिटी अलग है, ये वेलोसिटी अलग है, बट इन दोनों की स्पीड सेम है, क्योंकि स्पीड का फंडा ही अलग होता है। आई होप आपको मजा आया। चलो अब ये धीरे धीरे, अब बच्चों जस्ट बेयर विथ मी, है ना, एक भालू है यहां पे, जस्ट बेयर विथ मी, क्योंकि बहुत ही जल्दी मजा आने वाला है, बहुत ही जल्दी मजा आने वाला है, ठीक है, ओके। चलो स्केल अ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, एवरीवन, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अभी बताया था ना लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है 10 मीटर्स, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, मास क्या है 1 kg, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं पूछ रहा, किस डायरेक्शन में, पूछ लोगे तो बोलोगे पगले है क्या। एवरीवन टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 330 केल्विन, टाइम क्या, कितना टाइम लगा, 3 सेकंड्स लगे कुछ करने में, ठीक है ना। वर्क, वर्क तुमने कितना वर्क डन किया, मैंने वर्क डन किया कुछ, है ना, 10 joules का काम कर लिया, फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी लगाया, है ना, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, कितना किया तुमने, मैंने सर 103 joules काम कर लिया, कितनी एनर्जी तुमने स्पेंड की, इतना काम करने के लिए मैंने 103 joule की एनर्जी स्पेंड की, है ना, रिलेटेबल चीजें होती हैं, समझ गए मेरी बात, आई होप तुम्हें समझ में आई, वैसे ऑब्वियसली दिस इज 100% एफिशिएंसी, अगर तुम इतने का वर्क डन करते हो तो तुमने इससे ज्यादा स्पेंड की होगी, सोचो ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि तुम काम तो कर ही रहे हो बट तुम्हारा बॉडी भी तो चल रहा है ना, हार्ट बीट ज्यादा तेज हो गई उस काम में और ये सारी चीजें, उसमें नहीं जाते अपन, ठीक है ना, ओके, आई होप तुम समझ गए, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बोलता कि मैंने वर्क डन किया, मैंने इतनी एनर्जी स्पेंड की इस डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने कैलिफोर्निया में इतना बर्न किया था, यहां पे मैंने अलग बर्न किया, ऐसा नहीं होता है, ये नॉर्मल है, समझ गए मेरी बात, इसमें तुम ये एरो नहीं ड्रॉ करते, इनमें तुम एरो नहीं ड्रॉ करते, बट वेक्टर क्वांटिटीज में तुम एरो ड्रॉ करते हो भाई, तुम करते हो, ये चीज यहां पे जारी है 2 meters per second, देख एरो बन गया, एरो बन गया, एरो बन गया, जल्दी बता, इसका एक्सेलरेशन भी है 1 meters per second square, एरो बन गया, है ना, एरो बन गया, एक्सेलरेशन भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, ओ क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मतलब कोई फोर्स भी लग रहा है इस पे, देख एरो बन गया, एरो बन गया, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद ये प्राणी यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, ये ले डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये ले डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये यहां से यहां तक गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, साक्षात वेक्टर बना दिया तूने, 100 मीटर क्या, देख 100 मीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर दी, यही तेरा वेक्टर हो गया, वेक्टर मतलब एरो, यहां से लेकर यहां तक, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दे जल्दी से, मजा आ रहा है तो लाइक ठोक जाना चाहिए एवरीवन। चलो अब जल्दी से वेक्टर की बात करते, अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा, ये सब तो चिंदीपना था बच्चों, ये सब तो चिंदीपना था, असली काम तो हम आज करने वाले हैं, सच बता रहा हूं, मैं तुम्हें वेक्टर पढ़ाने ही नहीं वाला, आज खाली फील कराने वाला हूं और तुम्हें पता चल जाएगा कि वेक्टर कितना ब्यूटीफुल है। तुम कहीं पर भी वेक्टर लेक्चर 1 अटेंड कर लो और यहां अटेंड कर लो, मैं आपको एक चीज गारंटी कर सकता हूं, यहां पे तुम फील करके जाओगे, एंड दैट्स माय प्रॉमिस एवरीवन, धरती मां की कसम खा के बताता हूं, तुम देख लेना एवरीवन,
मजा आ गया तो बताओ, डू यू फील द सेम और नॉट? कोई प्रेशर नहीं है, जल्दी बताओ, डू यू फील द सेम? नहीं लगता है तो नहीं लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी से देखो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रिस्पेक्ट करते हैं, और जो इस चीज को ओबे करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फर्क बताइए सर, फर्क बताइए, ऐसे नहीं, फर्क बताइए। ओके, फर्क बताते हैं। अब यार तुमने इसमें पानी डाला, तुमने इसमें पानी डाला, तुमने इसमें डाला कितना? 1 लीटर पानी डाला सर, है ना। उसके बाद तुमने इसमें एक और लिक्विड डाल दिया, तुमने इसमें एक और लिक्विड डाल दिया, कितना डाला सर, है ना। तुमने ये 1 लीटर डाल दिया, फिर उसके बाद तुमने ये 1 लीटर डाल दिया, टोटल कितना हो गया? 2 लीटर। टोटल कितना हो गया? 2 लीटर। हमेशा ऐड हो जाती है, है ना, स्केलर चीजें ऐड हो जाती है। 1 किलो ले लिया, 1 किलो आलू ले लिया, तो 2 किलो और ले लिया, टोटल कितने हुए? 3 किलो। फर्क नहीं पड़ता ना कि वो आलू ऐसे फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है, हुए तो तीन। बट अब देख, वेक्टर का समझ एवरीवन। वेक्टर का एडिशन ऐसे नहीं होता, वेक्टर का एडिशन सिंपल नहीं होता। देख, वेक्टर में तूने यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तूने यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, एक और तूने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये कितना हुआ? 15। ये हुआ 15, बोल जल्दी, ये कितना हुआ? 15। ऑन द अदर हैंड अब तूने यही दोनों, तूने यहां पे 10 लगाया और तूने यहां पे 5 लगा दिया, बेटा जल्दी बता क्या होगा? क्या होगा? यहां पे तो 15 न्यूटन से जा रहा है, यहां पे तो 5 न्यूटन से जा रहा है, क्योंकि ये तेरे को स्लो डाउन करेगा। ये अलग अलग चीजें हो गई, इसका अलग रूल चलता है, समझ गए? वेक्टर्स का अलग तरीका होता है ऐड करने का, चलो अब मैं तुम्हें एक मस्त चीज दिखाता हूं। एवरीवन, दिस इज समथिंग जो आपको प्यार हो जाएगा इस चीज से। मैंने यहां पे लगाया 5 न्यूटन, मैंने यहां पे लगाया 5 न्यूटन, फिर मैंने यहां पे एक और 5 न्यूटन लगा दिया। इसका क्या मतलब है कि ये 10 न्यूटन से जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पे लगाया 5 न्यूटन, तेरे को एक लड़की खींच रही है यहां से, तेरे को एक लड़की खींच रही है यहां से। कौन सी मूवी चल रही है? गरम मसाला, ठीक है ना, इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल, है ना, समझ गया। तो बेसिकली ये और ये, एवरीवन देखो, ये कटा, ये कटा, ये कहीं नहीं जाएगा और ये दौड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? ये दौड़ेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज नोन, देखो यहां पे भी तुमने 2 फोर्स लगाए, यहां पे भी तुमने 2 लगाए। वेक्टर अलग तरीके से ऐड होते हैं यार। यहां पे क्या होगा? टोटल फोर्स, यहां पे 10 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा एडिशन, यहां पे 10 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। अब असली बात पता है क्या आती है? आज क्लास के एंड में एक मस्त चीज बताने वाला हूं। अगर मैंने बोला ये 5 लग रहा है यहां पे और 5 लग रहा है यहां पे 90 डिग्रीज पे, तो ये कितने से जाएगा और कहां जाएगा? ये इसका मिनिमम वैल्यू था, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू था। 0 से 10 के बीच में एक वैल्यू आएगी बच्चों, 0 से 10 के बीच में एक वैल्यू आएगी, और मेरी बात मानो, ये कहीं बीच में जाएगा, और इसी चीज को आज हम विजुलाइज करेंगे। मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो जल्दी से, एवरीवन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन पहले करेंगे, सिंपल घटिया सवाल। अभी तुमने सब कुछ पढ़ लिया, टोटल मास बताओ एवरीवन। ये 3 है ये 4 है, टोटल 7। स्केलर कैसे ऐड होते हैं एवरीवन? देखो आज खाली फील करेंगे, दोनों को तुमने बस ऐड कर दिया, टोटल मास क्या होगा जल्दी से बताओ? टोटल मास क्योंकि ये स्केलर है ना, तो तुमने बोला 3 + 4 = 7 kg। घटिया सवाल। फ्लो की बात करते हैं, फ्लो तुम बाद में पढ़ोगे। सस्ते सवाल हैं, ऐसे ही बता रहा हूं मैं तुम्हें फील के लिए। यहां से पानी गिर रहा है, कितना गिर रहा है? 3 लीटर हर सेकंड में गिर रहा है सर, 1 सेकंड में 3 लीटर गिर जा रहा है यहाँ पे, है ना। और यार यहाँ पे 4 लीटर गिर रहा है 1 सेकंड में, इन वन सेकंड। तो बाल्टी कितने से भरेगी पर सेकंड? टोटल इनफ्लो कितना हो गया जल्दी से बताओ? टोटल इनफ्लो क्या हो गया, है ना, पानी के अंदर कितना आ रहा है बेटा? 7 लीटर पर सेकंड आ रहा है। दिस प्लस दिस एड कर लूं, यहां से 3 लीटर 1 सेकंड में आ गया, यहां से 4 लीटर आ गया, 3, 4, 1, 7, 7, है ना। 1 सेकंड में 7 हो गया, दूसरे सेकंड में 14 हो गया, 7, 7 करते 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 आते जा रहे, 7 लीटर पर सेकंड इनफ्लो हो गया, 7 लीटर पर सेकंड तेरा इनफ्लो हो गया, है ना। और जितना इनफ्लो होता है उतना ही आउटफ्लो होता है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? स्वर्ग भी यही नहीं, यही नर्क भी यही, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, समझ गए मेरी बात? तो जितना आउटफ्लो होगा उतना ही इनफ्लो होगा, ठीक है ना। यहां से 7 लीटर निकल रहा है आउटफ्लो, इन दोनों से आउटफ्लो 7 लीटर पर सेकंड, इसके अंदर इनफ्लो 7 लीटर पर सेकंड, कोई लॉस नहीं हो रहा, अज्यूमिंग कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। सेम इज विथ करंट, करंट भी तो क्या होता है? व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है जल्दी से बताओ? व्हाट इज करंट? करंट इज 5 एम्पेयर, इसको क्या कहते हैं? 5 कूलम पर सेकंड, 5 कूलम्स पर सेकंड, मतलब
एवरीवन, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है या चार्ज का फ्लो होता है। एवरीवन देखो, ये भी तो चार्ज का फ्लो है, ठीक है, ये भी तो चार्ज का फ्लो है, जल्दी से बताओ, है ना, ये भी तो चार्ज का, पानी की तरह ये भी तो एक फ्लो है, ये भी तो फ्लो है, फर्क थोड़ी पड़ता है। अब ये तार है, ये तार को मैं ऐसे मोड़ लूँ वैसे मोड़ लूँ, आउटपुट तो तेरे पास सेम आने वाला है। मैं इसका दिल बना दूँ, मैं कुछ भी करूँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। मैंने इसका दिल बना दिया, देखिए आप, है ना, मैंने इसका दिल बना दिया, इससे फर्क थोड़ी पड़ा कुछ, हमारी तो साउंड वैसी आ रही है ना, इसको मैंने बिल्कुल ऐसे चपटा कर लिया, मतलब समझ गए मेरी बात, इलेक्ट्रॉनिक साउंड तो तुम्हारे पास वैसे ही आ रही है। तो यार यहाँ से 5 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10 एम्पेयर, ठीक है, 5 कूलम पर सेकंड, यहाँ पे 5 कूलम पर सेकंड, ऑब्वियसली यहाँ से जो इनफ्लो हो रहा है वही आउटफ्लो यहाँ पे होगा, जैसे पानी फ्लो कर रहा था वैसे ही करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें ये एंगल मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सॉरी एंगल अगर मैंने थीटा दे दिया, दिस इज एब्सर्ड, अरे दिस इज एब्सर्ड, ये करके देख ले यार, ये करके देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसका आंसर है 10 एम्पेयर टोटल करंट कमिंग आउट, तो आई आउट विल बी नथिंग बट 5+5 एम्पेयर। करंट इज ऑल्सो स्केलर, वैसे ना एक टेंसर रैंक भी होती है, उसमें तुझे जाने की जरूरत नहीं है, अपनी खोपड़ी में मत घुसाना, इंजीनियरिंग में करना है वो, इंजीनियरिंग में करना, तुम्हें अभी करने की जरूरत ही नहीं है टेंसर रैंक क्या होती है ना। चलो इसको पढ़ लो, आपको ये बात समझ में आ गई, 90 डिग्री, यार दिस इज एब्सर्ड, इसको चाहिए ही नहीं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वी नो दैट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब तुम बोलोगे बट इसमें तो डायरेक्शन भी होता है, अरे डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बोलते ना सर्किट में करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन हो गया, अरे ये कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, ऐसे तो पानी का पाइप का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो तो तुम डायरेक्शन कभी भी बदल सकते हो ना, है ना, समझ गए मेरी बात। अब देख तेरे पास सर्किट है, अगर तेरे को कोई कभी भी ये बोले ना, है ना, उसको एक चमाट मारना डायरेक्शन होता है करंट का, है ना, उसको वो बोलेगा हाँ सर डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है। अब तू क्या करेगा मैं बताता हूं, तू क्या करेगा, तू बैटरी को ऐसे कर दे, समझ गया, तू बैटरी को, या तू एक काम कर, है ना, तेरी बैटरी यही है, तू तार को ऐसे लेके आ जा, है ना, तू तार को ऐसे कर ले तार को तू ऐसे कर ले, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, सर्किट तो वही रहेगा, बल्ब तो इसमें भी जलेगा, ठीक है, समझ गए, है ना, बॉम्ब से मत फोड़ देना उस इंसान को, बट इट्स ओके, है ना, नमस्ते ने बड़े प्यार से बोला था, ठीक है, क्लियर है, ओके, बहुत सही है, मजा आ रहा है। आई होप माई बैड वॉइस इज नॉट स्पॉइलिंग द फन, ठीक है, आई नो आई एम मिसिंग माई वॉइस टू, है ना, सारे गामा पा नहीं सा नहीं बोल पा रहा हूं मैं, जानता हूं। चलो इसको देखो, नेट फोर्स ऑन द बॉडी, घटिया सवाल, जीरो। हाँ, अब ये बात, अभी तक तू स्केलर कर रहा था, तू वेक्टर करेगा। वेक्टर को समझने के दो सबसे अच्छे तरीके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात फिर से सुन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मैं तेरे को पूरा वेक्टर समझा दूंगा और तेरे को फील आएगी, तू खुद बोलेगा हाँ सर मजा आ गया। ट्रस्ट मी, दो तरीके पूरे वेक्टर को पढ़ने के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एवरीवन, तेरे को कोई खींच रहा है यहां से, कोई यहां से खींच रहा है, तो कहीं नहीं जाएगा, इक्वल फोर्स है, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स जीरो, जल्दी से बता, एफ नेट, अगर तूने बोला ये एफ नेट है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है तू, एफ नेट क्या होगा, 5+ और ये -5, ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये 5 और ये -5 हो गया ना डायरेक्शन के हिसाब से, तो यार ये इंपॉर्टेंट है, एफ नेट कितना हो गया, 0, कैंसिल हो गए दोनों के दोनों। अब देख, एक पुश है एक पुल है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, कितना हुआ, यहां पे भी 5, टोटल 10, एवरीवन जल्दी से देख, टोटल 10, है ना, इट विल मूव डेफिनेटली, दिस इज इक्विवेलेंट टू, कि तू दोनों पांच यहां पे लगा दे, दिस इज इक्विवेलेंट टू, कि तू टोटल 10 न्यूटन लगा दे। अब देख, बी वेरी वेरी केयरफुल, 5 तूने आधा बनाया तो 10 तू बड़ा बनाएगा, ठीक है, 10 तू बड़ा बनाएगा। वेक्टर को बहुत सीरियसली करना है अपन को आज, है ना, ज्योमेट्रिकली करना है। अगर ये देख, ये टोटल 5 और ये 5, डबल बनाया मैंने इसका, ठीक है, दैट एक्चुअली सिग्निफाइज की चीज कहां जा रही है। वॉट जो तुम्हें नहीं करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, ये जेई के पेपर में भी मैंने देखा था, ये फॉलो नहीं करते इस चीज को, है ना, ये तुम्हें चला के ऐसे दे देंगे, है ना। देखो, एवरीवन नोटिस, अगर मैंने इसको 3 न्यूटन बनाया, है ना, अगर मैंने 3 न्यूटन बनाया तो मैं इसको 7 न्यूटन नहीं बना सकता, ये सेम लग रहा है, इसको मैं थोड़ा लंबा बनाऊंगा, ठीक है, इसे डबल बनाऊंगा, समझ गए मेरी बात। अगर ये मेरा 3 न्यूटन है तो ये मेरा 7 न्यूटन होगा, इसका डबल से भी थोड़ा ज्यादा, समझ गया, डबल से भी थोड़ा ज्यादा। तो ड्रॉ टू स्केल, तभी तेरे को विजुअलाइजेशन अच्छा आएगा, ड्रॉ टू स्केल। नेट फोर्स ऑन द बॉडी, नमो सर बताइए, यहां पे 3 लग रहा है, यहां पे 4 लग रहा है, यहां पे 3 लग रहा है, यहां पे 4 लग रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 एंड 4,
दिस इज इक्विवेलेंट टू 7 न्यूटन एफ नेट। सर फील आ गई, फील आ गई। बहुत सिंपल सवाल है सर, मजा नहीं आ रहा। बहुत सिंपल सवाल है सर, मजा नहीं आ रहा। जल्दी लिख दो, मजा नहीं आ रहा सर। अब लेवल बढ़ाओ, ये कोई लेवल होता है क्या? चलो अब चार डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, चार डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं। ये ले लिया अपन ने, ठीक है, थोड़ा स्पॉन्जेस लिया है ना। यहां से दे 2 न्यूटन, यहां से दे 2 न्यूटन, कहीं नहीं जा रहा। ये 2 न्यूटन तो कैंसिल हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा है ना। 2 न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे, तो बचे क्या? एवरीवन, यहां के तो फोर्सेस कैंसिल हो गए, यहां के तो दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए है ना। तो अल्टीमेटली कितना हो गया नेट फोर्स, जल्दी से बताओ कितना हो गया ना। यहां पे टोटल नेट फोर्स हो गया 7 न्यूटन। सर बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आना बहुत जरूरी है यार, मजा नहीं आया तो आगे मत बढ़ना, बढ़ने देना भी मत मुझे, ठीक है। मजा आ रहा है, गुलाबी दिल आते रहने चाहिए यार इन द चैट बॉक्स, या रेड हार्ट आते रहने चाहिए, अपन को हार्ट बहुत पसंद है, ठीक है, गुलाबी दिल आते रहने चाहिए, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ो, दिख गया यहां पे हुआ क्या है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये पुश होते या पुल होते फर्क नहीं पड़ता, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कैंसिल हो गई, ये यहां पे चले गया। चलो अब आता है असली सवाल, अब आता है असली सवाल, इसको कर, इसको कर। यहां पे लग रहा है 5 न्यूटन, यहां पे लग रहा है 5 न्यूटन, इसका नेट फोर्स कितना होगा सर बताओ? ये सवाल कराया था मैंने तुझे, अब जल्दी से बताओ। 5 और 5 दो फोर्स लगाने, दो दोस्त है, वो मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। एक मूवी में डायरेक्टर होता है, सब सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, तब जाके रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तब जाके रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। तो सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं है ना, उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे, ठीक है। एवरीवन समझ गए मेरी बात? समझ गए? तो यार ये तो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है, मैक्सिमम फोर्स व्हेन एवरीवन वर्क्स इन द सेम डायरेक्शन, मैक्सिमम फोर्स। सब एक साथ सचिन सचिन चिल्लाते हैं 1 2 3 बोल के, तब जाके मैक्सिमम फोर्स आता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात? ओके, तो ये मैक्सिमम फोर्स है। कभी भी गाड़ी को पुश करते हैं तो एक साथ करते हैं, 1 2 3 बोल के पुश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी एक के बैक में वो नहीं आ जाए, लचक ना जाए, ठीक है, कि इक्वल फोर्स लगे। देखो एक ये हो गया मिनिमम फोर्स, जल्दी से बताओ, लड़ रहे हो तुम, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो है ना। एक जना बोल रहा है नहीं वनीला ही घर पे आएगी है ना, और दूसरा बोल रहा है, दूसरा ये नहीं बोल रहा कि स्ट्रॉबेरी आएगी, ठीक है ना, दोनों आइसक्रीम है, दूसरा बोल रहा है नहीं यार अपन तो चाय पियेंगे, समझ गए मेरी बात, है ना, कोई कुछ ठंडा नहीं खाएगा, कोविड का टाइम है तो चाय पियेंगे हम सब लोग, या गर्म दूध पियेंगे, लोग पागल हो रहे हैं, नहीं हमें दूध की आइसक्रीम चाहिए, दूध पिला रहा है, ठीक है। अब जल्दी से बोल, मिनिमम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मिनिमम वाला केस हो गया, ये मिनिमम वाला केस हो गया, ठीक है। अब यार तुमने यहां पे बोला एफ मैक्स कितना हो सकता है दो फोर्सेस की वजह से है ना, 10 न्यूटन, मिनिमम क्या होगा 0 न्यूटन। ये वैल्यू इसके बीच में ही होगी, जब ये दोनों फोर्स लगते हैं ये इसके बीच में ही होगी। मजेदार बात बताते हैं तुम्हें, चलो मजेदार बात बताते हैं है ना। दो डंडे चाहिए होंगे उसके लिए मेरे पास है ना, एक ये रहा, ऐसा एक और डंडा है क्या, रुको एक ये ले लेते हैं, दिख रहा है तुम्हें? ठीक है दिख रहा है, और रुको 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 है ना, एक एक ये वाला ले आता हूं मैं, होल्ड ऑन पुन्नू, एक ऐसा अपने पास एक और था ना, मोरपंखी आई थी ना इसमें, ये वाला है क्या? नहीं क्या? ओके कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपने पास वो वैक्यूम क्लीनर वाला कहाँ गया? हाँ ये ले लेते ना, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, परफेक्ट है, ठीक है ठीक है ना। कचरा इकट्ठा कर रहे हैं हम है ना, तुम्हें सिखाने के लिए, ठीक है, समझ गए? देखो देखो इसको, अब एवरीवन इसको देखो, जब दो फोर्स ऐसे लग रहे होते हैं तो मैक्सिमम आता है ना। अब जैसे मैंने 5 5 को ऐसे बढ़ाया, सुनना 10 है, तो जब ऐसे करूंगा तो शायद 9 है ना, सुनना मेरी ध्यान से सुनते रहो, 9 8 है ना, 7.5, और इसके फिर यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा वैल्यू है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, लेट्स से 7 point something, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी 6, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, समझ गए ना। दो वेक्टर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो फोर्स लगा रहे हो, दोनों फोर्स ऐसे लगा रहे हो 10, दोनों फोर्स ऐसे लगा रहे हो 0, तो इसके बीच में सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी 10 से लेकर 0 तक
है ना, 10 से लेकर 0 तक, यहाँ पे 10 थी तो यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 8, 8 पॉइंट, फिर यहाँ पे 7.5 है ना, फिर यार यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग होगी है ना, फिर यार यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, फिर यहाँ पे कुछ, रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट, क्योंकि जब दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं तो यहाँ पे कहीं जाएगा है ना, आदमी यहाँ पे कहीं जाएगा, यहाँ से कोई खींच रहा है, यहाँ से कोई खींच रहा है तो बीच में जाएगा, ठीक है ना, तो वो किस फोर्स से जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोनों खींच रहे हो तो 10 न्यूटन से जाएगा, यहाँ खींच रहे हो तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर पड़ा रहेगा, तुम समझ लो, यहाँ पे सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी है ना, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंगल वाला पार्ट वो आज करेंगे ही नहीं हम, आज खाली हम पता है फील लेंगे, आज खाली हम फील लेंगे है ना, जल्दी से यहाँ पे देखो, तो अब क्या हुआ, अब इसमें अपन ने बनाया यहां पे कुछ रिजल्टेंट आएगा इसका, ठीक है, रिजल्टेंट, ठीक है, दिस रिजल्टेंट बिलोंग्स टू ध्यान से देखो, 0 से 10 के बीच में होगा, 0 से 10 के बीच में होगा, ठीक है, ये 90 degrees है एक्चुअली ना, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग क्योंकि हमें पता है 90 degrees है तो ऐसे कर देते हैं ना, 10 होगा ना, ये देखिए ये 180 डिग्रीज है, ये 0 डिग्रीज है, तो ये 90 डिग्रीज है, तो इसके बीच में कोई वैल्यू होगी है ना, 0 से 10 के बीच में कोई वैल्यू होगी है ना, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये 5√2 आती है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये 5√2 आती है ना, ये बाद में करेंगे, ये तुम करोगे आज, बहुत सिंपल है, सच बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, मजा आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मैक्सिमम नहीं हो सकती, मिनिमम नहीं हो सकती, डिटरमिन तो 100% हर चीज हो सकती है आजकल डिटरमिन, ठीक है, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर है ना, चलो, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, न्यूज NEWS NE, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, बताओ जल्दी कहां पे जाएगा ये पार्टिकल, 5 न्यूटन 10 न्यूटन 6 न्यूटन 1 न्यूटन, इसका इक्विवेलेंट बनाइए सर, इसका इक्विवेलेंट बनाइए, तो ये इसका इक्विवेलेंट बना रहे, यहां पे 5 है, यहां पे 1 है, तो फिर यहां पे कितना होगा, 5 - 1, ठीक है, तो विच विल बी 4 न्यूटन, यहां पे 4 न्यूटन है, यहां पे कितना होगा, यहां पे 10 है, यहां पे 6 है, तो टोटल 10 - 6 यहां पे है ना, यहां पे और यहां पे, तो ये यहां पे कितना हो जाएगा, 10 - 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन, तो यार इसका इक्विवेलेंट क्या बना, जल्दी से बताओ, यहां पे बना 4 न्यूटन और यार यहां पे भी बना 4 न्यूटन, भाई जाएगा कहां पे, कोई यहां से खींच रहा है, कोई यहां से खींच रहा है, कहीं बीच में, बीच का रास्ता ले लेगा, बीच का रास्ता ले लेगा, वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग हैं यहां पे, जल्दी से बताओ, नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग हैं यहां पे, वो लोग सब, उनके अलावा भी सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो ये कहीं बीच में जाएगा, अरे यार सब कुछ मिटा दिया, फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसको काटा तो -6 न्यूटन हो गया, तो इसका क्या बना, जल्दी से बता दो, इसका ये बना कि यार यहाँ पे 4 न्यूटन है, यहाँ पे भी 4 न्यूटन है, तो ये कहीं यहाँ पे जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पे जाएगा, कहीं बीच में जाएगा, दैट विल बी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एग्जैक्टली 45 degrees पे जाएगा, नमो सर एग्जैक्टली 45 degree पे जाएगा, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, करके देखो अपने फोन के साथ, करके देखो अपने फोन को टेबल पे रखो, यहां भी सरका दो और यहां पे भी सरका दो, चलो इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, नमो सर इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो एक डब्बा ले आते हैं बड़ा सा, ओके सर ले आए बड़ा सा डब्बा, ठीक है, अब तुमने बड़ा सा डब्बा यहां पे रखा, अब जैसे ही मैंने बड़ा सा डब्बा यहां पे रखा, ध्यान से देखो, इस पे मैं दोनों साइड फोर्स लगा रहा हूं, ऊपर और यहां पे, कहां पे जा रहा है ये ऐसे गया, क्योंकि मैंने, अगर मैं खाली ऐसे फोर्स लगा रहा होता तो ये ऊपर जा रहा होता, अगर मैं खाली इस पे रख के सटा के, अब मैं खाली ऐसे फोर्स लगा रहा होता तो यहां जा रहा होता, बट मैंने लगाया फोर्स कहां पे, मैंने दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऊपर भी और ऐसे भी, कोई, इट्स नो रॉकेट साइंस यार, तू भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, ठीक है, समझ गए, चलो, तो इट्स अ वेरी विजुअल थिंग, फोर्सेस हेल्प यू विजुअलाइज, ठीक है यार, यहां पे कोई और डब्बा नहीं था है ना, तो इसीलिए बड़ा सा ले लिया था वो, और कोई डब्बा, मेरा फेवरेट डब्बा का है ना, नहीं यार यहां पे भी है नहीं और कोई डब्बा, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्लियर है, इज दिस क्लियर है ना,
अब देखो यार यहां पे जल्दी से, ये है 5 न्यूटन, ये है 5 न्यूटन, तो ये गया कहां? ये गया 45 डिग्रीज पे जाएगा, इट इज अ नो ब्रेनर। इसको हम फील करके बता सकते हैं ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम खुद कर सकते हो इसको विजुलाइज। अब एक मस्त चीज बताता हूं, जब तुम्हारा यहां का फोर्स 5 न्यूटन है और यहां का फोर्स भी 5 न्यूटन है, तो चीज 45 डिग्री पे जाएगी, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, 45 डिग्री में जाएगा, ध्यान से देखो, वो 45 डिग्री में जाएगा। बट अगर मैंने एक ट्वीक कर दिया, मैंने बोला, सुनना, मैंने बोला कि नमो सर यहां पे तो 5 न्यूटन लग रहा है सर, यहां पे तो 5 न्यूटन लग रहा है सर, बट यहां पे, नमो सर ध्यान से देखिए, यहां पे काफी कम लग रहा है सर, यहां पे लग रहा है 2 न्यूटन सर, यहां पे लग रहा है 2 न्यूटन, बात मानो मेरी, ये थोड़ी देर के बाद 45 डिग्री नहीं, वो यहां पे इसके नजदीक जाएगा, ये ज्यादा फोर्स है, ये ज्यादा शक्तिशाली बंदा है, ठीक है, तो ये इसके ज्यादा पास जाएगा, ये 45 डिग्री पे नहीं जाएगा, सो दिस एंगल थीटा विल बी लेस देन 45 डिग्रीज और पाई बाय 4 रेडियन, समझ गए मेरी बात, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2, क्लियरली है ना, इसमें नो ब्रेनर ही है, ये नो ब्रेनर है, ये यहां पे कहीं जाएगा, ये ऐसा कुछ जाएगा, इट इज नॉट एग्जैक्टली 26 डिग्रीज बट हाँ ऐसा कुछ है, हो भी सकता है, फर्क नहीं, हो भी सकता है, देख लेना, क्योंकि हाँ हो भी सकता है, फर्क नहीं पड़ता है ना, निकाल लेना, तो बाद में निकालना भी सिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक और केस देख लेते हैं नमो सर, एक और केस देख लेते हैं जहां पे ये वाला ज्यादा शक्तिशाली है, इसमें ज्यादा दम है, इसने लगा दिया 5 न्यूटन और यहां वाले ने लगाया 2 न्यूटन, कॉमन सेंस यार, अभी तक तो हमने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो बस इतना बता, तेरे को फील क्या कह रही है, तेरी फील क्या कहती है यार, ये ज्यादा शक्तिशाली है, ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, समझ गए, ये अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो एवरीवन नोज कि यार ये जो एंगल होगा, अब ये जो एंगल होगा 45 डिग्री नहीं होगा, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, व्हाई बिकॉज यू नो दिस, 5 इज ग्रेटर देन 2 है ना, बिल्कुल, कोई कुछ नहीं कर रहे अपन, सिंपल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, सिंपल कर रहे हैं, सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ज्यादा फोर्स है तो ये यहां पे इसके पास कहीं जाएगा, बराबर होते तो 45 डिग्री पे जाता, 45 डिग्री पे जाता, देख ध्यान से देख, ये फोर्सेस बराबर है तो 45 डिग्री पे गया, जब ये वाला फोर्स बड़ा हो गया तो ये थोड़ा नीचे आया, देख 26 डिग्री पे जा रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, अब ये बड़ा है ये छोटा है तो ये कितने पे जा रहा है, 68.2 डिग्रीज पे जा रहा है, 68.2 डिग्रीज पे जा रहा है, मजेदार फील आ गई है ना। अब कुछ सिंपल सवाल करते हैं, और अभी हम पता है क्या समझेंगे, हम वेक्टर और उसको ऐड करने के बारे में सोचेंगे, खाली वेक्टर और उसको ऐड करने के बारे में सोचेंगे, इतने सारे सवाल तो कर लिए, समझ में आ गया वेक्टर क्या होता है सर, बहुत समझ में आ गया, इसका अलग तरीका होता है, इसको ऐड करने का अलग तरीका होता है ना, इसके लिए स्पेशल लॉ होते हैं, सेम डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ऑपोजिट कर सकते हैं, बट सर एंगल पे नहीं आता सर, 5 और 5 का क्या होता है, नहीं आता सर, है ना, समझ गए, 5 और 5 का क्या होता है, नहीं आता सर, हमें तो ये समझ में आ गया सर, 5 5 साथ में तो 10 कर दे, 5 5 अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट कर दे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट सर 90 डिग्री पे सर 12 बज जाएंगे हमारे, अब नहीं बचेंगे आज के बाद, सुनना, अब सुनो पहले ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, वार्म अप क्वेश्चंस, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, वो यहां से 10 मीटर गया, टेन, वॉट इज द डिस्टेंस, एवरीवन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 + 10 + 10 इज इक्वल्स टू 30 meters, है ना, तुमने एक धागा छोड़ते हुए गए, धागे की लेंथ क्या हो गई 30 meters, सिंपल क्वेश्चन, वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, नन ऑफ दीज बिकॉज इट इज जीरो, वो यहां से यहीं आ गया, जहां पे था वहीं पर आ गया, जल्दी से बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से यहां यहीं आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, एवरीवन इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हो गई ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर,
है ना, बताया था मैंने, ये देख एक वेक्टर है 10, देखा एरो बना दिया ना तूने, यहां से लेकर यहां तक, ओ ये यहां से यहां तक गया, ये डिस्प्लेसमेंट है। बट डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस को तुम मेजर करते रहते हो, जितना मतलब धागे की लेंथ इज डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करो, ये 10 गया, ये 10 गया और ये 45 डिग्री, ये 55 ना, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाके रुक गया। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये निकालना है ना डिस्प्लेसमेंट, मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये यहां से फाइनली यहां पे आ गया, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना ये बहुत जरूरी है। मैंने ड्रॉ किया यहां से लेकर यहां तक, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देख मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एस से डिनोट कर रहा हूं, मुझे ये एस चाहिए, नमो सर मुझे ये एस चाहिए, मुझे बस इतना बता दो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगल बाद में निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, चल तू एंगल भी निकाल लेना, ठीक है तू एंगल भी निकाल लेना, कि डिस्प्लेसमेंट मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है नमो सर, मेरा जो वेक्टर है उसकी लेंथ बताओ और उसके साथ साथ मुझे एंगल भी बताओ। यार बहुत ही चिंदी सवाल है, ध्यान से देख, ये 5 है, ये 5 है, ये टोटल 10 है, यार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर, नो ब्रेनर, ये कितना है 5 मीटर, ये कितना है 10 मीटर। अरे यार पाइथागोरस लगा देना यार, क्या है इसमें, पाइथागोरस लगा दे, इस लेंथ को मैंने एस बोल दिया, एस क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बट बेटर ये नहीं है यार, बेटर ऐसे मत कर, इसको तू एक्स ले ले, ध्यान से देख, इसको तू एक्स ले ले, इसको तू 3x ले ले, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया रूट टेन एक्स, समझा, x में कर ले, इसको x ले ले, अगर तूने इसको x ले लिया तो ये x 3x हो गया, तो यार ये तो बहुत आसानी से आ गया ना, ध्यान से देख, ये तो ये x है तेरा, ये 3x है, तो ये कितना आ जाएगा 9x² + x², तो ये रूट टेन एक्स आ गया, है ना, समझ गए, तो ये अल्टीमेटली तू जितना भी करे ये तेरा ये आएगा 5√10 आ गया, ठीक है। अब कोई बोले एंगल भी निकाल, एंगल भी निकालो सर, एंगल भी निकालो, अरे निकाल लेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, यही तो थीटा है 5 और 15, एंगल तो ऐसे ही दिख रहा है, टेन थीटा कितना है 5 अपॉन 15, टेन थीटा इज 5 अपॉन 15, 1/3, थीटा क्या है, थीटा है टेन इनवर्स 1/3, कैसे निकालते हैं, बहुत गंदा तरीका बताने वाला हूं सर, साइंटिफिक कैलकुलेटर लो, इसमें टेन इनवर्स होता है क्या, हाँ इसमें टेन इनवर्स होता है, चलो मैं करके देखते हैं, टेन इनवर्स 1/3, ओ ये तो 18 डिग्री आ रहा है ना, तो ये 18 डिग्री आ गया, 18.43 डिग्रीज, ठीक है, तो ये 18.43 डिग्रीज आ गया है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर वेक्टर है तो वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, तुम्हें दो टाइप के वेक्टर्स अच्छी तरीके से बता रहे हैं, फोर्स भी एक वेक्टर होता है, इसीलिए ध्यान से सुनो, वेक्टर जो भी चीज होती है उसको उसके ऊपर हमें रिस्पेक्ट के लिए, मास एक वेक्टर नहीं होता, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को नहीं लेते क्योंकि वॉल्यूम वी इज फॉर वेलोसिटी ऑल्सो, ठीक है, मास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, उसके अलावा लेंथ है ना, इनके ऊपर कोई एरो नहीं होता है ना, बट वेलोसिटी की बात कर लें है ना, वेलोसिटी की बात कर लें तो वी वेक्टर, ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर लें तो ए वेक्टर, इनको ऐसे डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट दिस वेक्टर, ठीक है, समझ गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनके ऊपर कोई मतलब वो नहीं है, एरो नहीं है, टोपी अलग चीज होती है, ठीक है। अब बट वेक्टर को ऐड करना सिमिलर होना चाहिए सर, है ना, बिल्कुल, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, सर मैंने ना एक डिस्प्लेसमेंट किया यहां पे 10 मीटर्स का, एक डिस्प्लेसमेंट किया, उसके बाद एक ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर लिया, सर मेरा एस नेट कितना हुआ, 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, सर मैंने यहां पे 10 न्यूटन लगाया, यहां पे मैंने 10 न्यूटन लगाया, नेट फोर्स कितना आया, 0, तो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वेक्टर हो एडिशन बड़े सिमिलर होते हैं, ये एक वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था 180 डिग्रीज, ठीक है, इस डंडे को यहां पे उठाओ, इस डंडे को यहां पे, यहां से उठा के रखो, एंगल देखो, मतलब एंगल निकालने का तरीका यही होता है कि दोनों की टेल को पकड़ लो, पूंछ से पकड़ लो दोनों को,
है ना, किसी भी वेक्टर को तुम रोटेट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें सीखेंगे, आगे जाके सीखेंगे। बट आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। आगे अभी आप यहां पे देखोगे, अब जल्दी से मुझे बताओ, ये बच्चा यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। बिल्कुल सही, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली ये बच्चा यहां पे आ गया, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, क्या नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है? टक 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 टक। इसी चीज को फोर्स में देखते हैं, इसी चीज को फोर्स में देखते हैं। अगर मैं ऐसे वेक्टर्स फोर्स में डालूं, वेक्टर को मैं रोटेट नहीं कर सकता, बट ये 10 वाला वेक्टर मैंने उठा के यहां से यहां रख दिया, फोर्सेस में भी देखो नेट फोर्स जीरो ही आएगा। 10 उठा के यहां पे रख दिया, ये वाला रख दिया 10 न्यूटन, ये वाला उठा के यहां पे रख दिया, ये वाला उठा के यहां पे रख दिया, ठीक है, ये वाला उठा के मैंने यहां पे रख दिया, ये मैं रख चुका हूं, ये मैं रख चुका हूं, ये नीचे वाला है, ये 10 मैंने उठा के यहां पे रख दिया, है ना, सेम डायरेक्शन, रोटेट नहीं कर सकते, वेक्टर बदल जाता है, ठीक है, ये यहां पे रख दिया, और ये यहां वाला वेक्टर मैंने उठा के यहां पे रख दिया। बताओ क्या नेट फोर्स जीरो आ रहा है? क्या नेट फोर्स जीरो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों से हमारी वेक्टर की फील बढ़ गई है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? गुलाबी दिल आते रहने चाहिए, ठीक है, हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो दिस। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, सर ये तो बड़ा सिंपल केस था सर, बट अब हम बात करेंगे बड़े केस की, है ना, थोड़ा सा ट्राइंगुलर, ये 10 है, ये 10 है, 10 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, हाँ सर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर, ये चीज ऐसे जाके ऐसे ही आ रहा है, ये यहीं पर आ रहा है, ये इनिशियल है, फाइनल है, इसमें भी सर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसमें भी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या फोर्सेज में भी वैसा ही हो रहा है? क्या फोर्सेज में भी जब हम ऐड करेंगे तो यही होगा? देखते हैं, चेक करते हैं, कुछ कुछ चीजें सीखोगे आज आप। अब क्या करना है आपको? नमो सर बताएंगे क्या करना है ना, वैसे इसको ऐसे ले लेते हैं, ये परफेक्ट है वेक्टर के लिए, है ना, ये इसका एरो है, ठीक है, ये इसका एरो है, तो मैंने ये वाला वेक्टर एज इट इज यहां पे लगा दिया, है ना, एज इट इज, देखो 60 विद द हॉरिजॉन्टल है, 60 विद द हॉरिजॉन्टल है, तो एज इट इज, अरे भाई रुको, एज इट इज ये 10 वाला मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, ये 10 न्यूटन में लगा दिया, 10 मीटर नहीं, अब मैं फोर्सेस में देखना चाह रहा हूं, ठीक है, तो ये कितने एंगल पे है? 60 डिग्रीज एंगल पे है, लगा दिया सर, और उसके अलावा ये वाला 10 न्यूटन, इसका एंगल क्या होगा यार, थोड़ा सा देखो, ये भी 60 होगा, है ना, पैरेलल टू दिस, ये भी 60 होगा, तो एवरीवन ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इट इज 60 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस, नीचे 60 विद द एस, है ना, तो इसको उठा के यहां पे लगा दो, इसको उठा के यहां पे लगा दो, ये कितना हो गया 60 डिग्रीज, ठीक है, ये भी आपका 10 न्यूटन लग गया। नमो सर बड़ा मजा आ रहा है, लग गया। अब एक वेक्टर ये वाला बचा है, इसको भी उठा के यहां पे लगा दो, ठीक है, इसको भी उठा के यहां पे लगा दो, 10 न्यूटन लगा दिया सर यहां पे, 10 न्यूटन लगा दिया, थोड़ा सा एंगल, एंगल, एंगल्स देखो भाई, एंगल्स देखो, ये 120 डिग्रीज है, ये 120 डिग्रीज है, ऑब्वियसली 30 है 90 120 डिग्रीज 120 डिग्रीज 120 डिग्रीज। मुझे एक चीज बताओ, है ना, जो भी यहां पे पुरुष लोग हैं, ठीक है, अगर आपको 3 लड़कियां खींच रही हो, या अगर, है ना, समझ गया मेरी बात, है ना, और बहुत सारे पुरुषों को बहुत अच्छा लग रहा हो, 3 लड़कियां खींच रही हैं, ठीक है, ओके, नॉट फॉर द गुड रीजंस, ठीक है, वो मारना चाहेंगे तुम्हें बाद में, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना, एक यहां से खींच रही है, एक यहां से खींच रही है, एक यहां से खींच रही है, तुम कहीं नहीं जा पाओगे, इक्वल फोर्स लगा रहे, इक्वल फोर्स एट इक्वल एंगल्स, ये भी था, इक्वल फोर्स एट इक्वल एंगल, इसीलिए एफ नेट जीरो था। अभी इसके लिए खाली देख के बता सकते हो, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से बता सकते हो कि इसका नेट एफ नेट जीरो आएगा, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड फोर्सेस है, इक्वली स्पेस्ड फोर्सेस है, ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, देखो समझो, अभी उसको उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी खाली फील ले रहे हैं, अभी खाली फील ले रहे हैं, समझ गए, यहां पर एक फोर्स लगा रहे हो, यहां पर एक फोर्स लगा रहे हो, यहां पर एक फोर्स लगा रहे हो, कितने लगा दिए? 4 लगा दिए, है ना, 4 लगा दिए, तो कितना होगा? 45 डिग्रीज यहां पे भी 180 डिग्री हो गया। देखो इक्वली स्पेस्ड का मतलब समझो, इक्वली स्पेस्ड का मतलब समझो, ठीक है, समझ गए, इक्वली स्पेस्ड 45 45 45 45 45 45 45, 360 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इक्वली स्पेस्ड, सब लोग खींच रहे हैं, सेम फोर्स है, सेम फोर्स है, ये कहीं नहीं जाएगा,
ये कहीं नहीं जाएगा, ये सिंपल केस है समझने के लिए, क्योंकि ऑपोजिट ऑपोजिट कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। इसको तुम समझ सकते हो यार, इजी है ना, सिमेट्रिक केस है, तुम समझ गए है ना, समझ गए। यहां पे भी एस नेट जीरो आया, एफ नेट जीरो आया, कोरिलेट कर रहे हैं यार, कोरिलेट कर रही है चीजें। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है हमें चैप्टर में, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब ऐसा मजा नहीं, अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा। अब देखो, अब ये वाला केस तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे है ना, और इसमें ना मैं तुम्हें एक और मैथ्स की मस्त चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये खाली कंस्ट्रक्शन है, कोई भी रेगुलर हेक्सागन, कोई भी रेगुलर हेक्सागन के बीच में एंगल, अगर मैं इसका सेंटर ज्योमेट्रिक सेंटर मार्क करूंगा, तो ये एंगल क्या होगा, 2 पाई बाय एन या 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 6 साइड है तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द साइड, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड है तो 2 पाई बाय एन, ये एंगल होगा 2 पाई बाय एन, 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय एन, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, 360 बाय 6, तो ये टोटल 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो यार इसमें ये वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, और क्योंकि ये 60 आता है, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, तो यार ये एंगल भी 60 होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, तो ये एक ब्यूटिफुल ज्योमेट्री बनती है हेक्सागन में, हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, है ना। तो तुम्हें दिख गया, ये बहुत अच्छी तरीके से दिख गया, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं, ठीक है। अब इसमें भी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर, क्यों, बंदा गया टक 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 टक, ओ यहीं पर आ गया, इनिशियल और फाइनल यहीं पर है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है सर। मैंने एक वेक्टर लिया, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तीसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चौथा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, पांचवा छठा, वहीं पर पहुंच गया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या अगर मैं इतने ही बड़े बड़े फोर्सेस लगाऊंगा, क्या वो भी जीरो आएगा, हाँ आएगा, तो देखेगा तेरी आंखों के सामने आएगा। इस पे मैं यही फोर्सेस लगाने वाला हूं, इस पे मैं यही फोर्सेस लगाने वाला हूं, मीटर में नहीं न्यूटन में। नमो सर, अच्छी तरीके से दिखाओ, है ना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तभी मजा आएगा, ठीक है। एवरीवन, इस कंस्ट्रक्शन को देखना बहुत जरूरी है, इस कंस्ट्रक्शन को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है बच्चों, ये 60 डिग्रीज है, तो यार ये क्या होगा, हाँ तो 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये देखो 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्रीज पे है ना, ये 60 डिग्रीज पे 1 न्यूटन, ये 1 मीटर है तो 1 न्यूटन लगा दो, है ना, 60 डिग्रीज पे, इसको पटक के मैंने यहां पे लगा दिया, तो ये लग गया मेरा 1 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, पहला वाला लगा दिया, गोला मार दो, ये हॉरिजॉन्टल है, नमो सर ये हॉरिजॉन्टल है, इसको 1 को उठा के यहां पे पटक दो, ठीक है ना, विदाउट रोटेटिंग 1 न्यूटन लग गया 60 डिग्री पे सर, लग गया। उसके बाद एक ऐसे है, अगर तुम इसको अच्छी तरीके से कैलकुलेट करोगे तो 60 डिग्री नीचे है ना, हॉरिजॉन्टल से 60 नीचे है, हॉरिजॉन्टल से 60 नीचे, तो उसको यहां पे पटक दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 60 नीचे, तो आपने इसको ऐसे पटक दिया, आप कन्वर्ट कर रहे हो, एवरीवन इसकी एनालॉगस सिचुएशन बना रहे हो फोर्सेस में, टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर्स जैसे ऐड होते हैं उनको समझो, प्यार करो उससे, ठीक है। 1 1 1 ये तीनों यूज कर लिए मैंने, उसके बाद इसका क्या करें, ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 60 है तो ये 60 है, ठीक है। ओ ये क्या होगा यार, जल्दी बताओ, है ना, ये क्या होगा, ये यहां से 60 है, ठीक है, ये यहां से 60 है, एवरीवन ध्यान से देखो, ये बना दिया, अब ये यहां से 60 है, ये यहां से 60 है, ठीक है, ये वाले इससे 60 है, क्योंकि सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये यहां से 60 है, ठीक है, तो ये 60 हो गया, तो इसको बना दिया 1 न्यूटन, 60 60, तो यार ये भी 60 होगा यार, है ना, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अभी आपने 1 2 3 4 आपने ऐड कर दिए, दो और बचे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे है, ऐसे पटक के यहां पे डाल दिया 1 न्यूटन, बचा क्या सर, एक ही बचा है सर, ये वाला, ठीक है, ये वाला बचा है, ओके, इसके बारे में कमेंट करिए, है ना, तो ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्रीज पे है ना, हॉरिजॉन्टल से 120 डिग्रीज पे है ना, या यहां से 60 डिग्रीज पे, यहां से 60 डिग्रीज पे, यहां से 60 डिग्रीज पे, बिल्कुल
ये बचा हुआ एंगल भी 60 डिग्री होगा, इक्वली स्पेस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। अब तुम्हें छह लड़कियां खींच रही हैं, ठीक है, समझ गए, हर एक डायरेक्शन में, यहां पे टक 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 टक, सारे सेम फोर्सेस इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा जो मुझे दिख रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, नेट फोर्स क्या होगा यार, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग एनालॉजी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एवरीवन लुक एट दिस क्वेश्चन एंड डू इट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, इसमें अच्छी फिजिक्स लगने वाली है, सॉरी अच्छी मैथ्स लगने वाली है। तुझे खाली है, रेगुलर हेक्सागन है ना, अब तेरे को बस ये निकालना है, यू जस्ट हैव टू टेल मी द लेंथ ऑफ दिस साइड, इसको मैंने एस बोल दिया, तुझे खाली मुझे एस बताना है, वॉट इज एस, डायरेक्शन भी मतलब नहीं है, तुझे बस एस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन है, दिख रहा है ना, सारे साइड इक्वल है, रेगुलर हेक्सागन ही होगा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये जब तुम कंस्ट्रक्शन करोगे तो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है सर, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे तो यार ये भी 1 मीटर होगा, 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 ये 1 मीटर है, ये 1 और 1 2, आंसर 2 से तो कम होगा, फॉर श्योर 2 से तो कम ही होगा, क्योंकि देख यहां से यहां जाता है तो 2 है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, 2 से तो कम है आंसर, 2 से तो कम है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, नहीं √5 तो 2 से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता, √3/2 1 से, अरे यार 1 से तो बड़ा होगा ना, 1 से तो बड़ा होना चाहिए, है ना, ऑब्वियसली 1 से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो √3 है इसका आंसर वैसे, है ना, √3 आता कैसे वो बता देता हूँ, तुम्हें खाली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान से देखिए, कैसे करना है बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। यार ये क्या है, ये साइड है वन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, नमो सर कर दिया है, इसको बोल दे एक्स, क्योंकि सिमेट्रिक है, और अगर तू इसको थोड़ा एक्सटेंड करेगा तो ये यहाँ तक जाएगा, है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक सिचुएशन है, एक्स बहुत ही सिमेट्रिक है, इसमें सब कर सकते हो, यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब तुम आ गए हो 11th 12th में, ये मज़ेदार चीज़ है, ASA और ये सब फालतूगिरी नहीं करनी अपन को, ठीक है, ये कर दिया, नमो सर, ये एंगल क्या है, ये ट्राइंगल है सारे, ये 60 डिग्री है सर, ये भी 60 डिग्री है ना। अगर तुम ध्यान से देखो, इसको भी कंस्ट्रक्ट कर, इतने कंस्ट्रक्शन मत करो सर, ये तो हम खुद भी कर सकते थे, बट हाँ इसमें बहुत ही सिंपल है, ये हाइपोटेनस से एक्स निकाल सकते हो ना यार, यहाँ से एक्स निकाल सकते हो, साइन 60 से, एवरीवन इसको ध्यान से देखो, यहाँ से तुम लिख सकते हो साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन 1, ठीक है। तो एक्स क्या आ गया आपका, √3/2, एक्स आ गया √3/2, एस क्या है आपका 2x के बराबर है, ये हो गया √3, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपने निकाल लिया। क्या नमो सर आप ऐसे करते, नहीं मैं ऐसे नहीं करता, सच बता रहा हूं नहीं करता ऐसे, मैं कैसे करता, ये 60 डिग्री है बेटा जल्दी बता, ये 60 डिग्री है तो ये तेरा कितना है 30 डिग्रीज है, मैं क्या करता, मैं एक्स लेता ही नहीं, भाड़ में क्या एक्स, मैं लेता ही नहीं एक्स, मैं बस बोलता ये है 1 cos, मैं पता क्या करता, मैं इसमें देखो मैं क्या करता, what I would have done, ठीक है, मैं क्या करता, मैं एस को ऐसे लेता, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो प्रॉपरली, ठीक है, समझ गए, फिर मैं बोलता कंस्ट्रक्शन कर, तूने कंस्ट्रक्शन किया होता, तू बोलता ये 60 डिग्रीज है, मैं बोलता ये 30 डिग्रीज है ना, 90 है तो ये 30 हो जाएगा, फिर मैं क्या करता, मैं बोलता ये मेरा 1 है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता राइट एंगल ट्राइंगल में 1, कोसाइन स्टिक्स, हमेशा ध्यान रखना है ना, ये कॉस 30, तो ये होता मेरा 1 cos 30 degrees, ये होता मेरा 1 cos 30 degrees, क्योंकि यार ये भी 30 होता, ये भी 1 होता, तो मेरा आंसर क्या हो जाता, एस हो जाता तेरा 2 × 1 cos 30 degrees √3, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल लेता। अब मैं तुम्हें मैथ्स की ट्रिक बताने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथ्स की ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखा हो,
आज के बाद तुम ये करने वाले हो, एंड दिस इज नोन एज कोसाइन स्टिक्स। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें, कोसाइन स्टिक्स। कोसाइन स्टिक करता है, ठीक है, कोसाइन स्टिक करता है। तो अगर तुम्हें किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है ए, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मुझे गिवन है रूट टू, है ना, ये मुझे रूट टू गिवन है, ये रूट टू भी नहीं लेते यार, है ना, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं टेन। अगर ये मुझे टेन गिवन है और ये एंगल मुझे थर्टी डिग्री गिवन है, ये मुझे अगर टेन गिवन है और ये मुझे थर्टी डिग्री गिवन है, हमेशा ध्यान रखना ये क्या होता है, ऐसे ऐसे याद रखो, दिस इज कोसाइन स्टिक्स। ये हो जाएगा टेन कॉस थर्टी, कॉस थर्टी ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन कॉस थर्टी डिग्रीज, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, है ना। और ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये होता है टेन कॉस थर्टी, ये होता है टेन साइन थर्टी, हमेशा इसको ध्यान रखना। इससे तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है तुम्हारा टेन कॉस थर्टी, टेन साइन थर्टी, इसको कहते हैं कोसाइन स्टिक्स, इसको कहते हैं ये तुम्हारे देखो नोट्स में लिख लेना अलग से, ब्लैक स्क्रीन पे किया आएगा नहीं, कोसाइन स्टिक्स कहते हैं इसको। और एक्चुअली तुम वेरीफाई भी कर सकते हो यार, ये बी है ना, निकाल कोसाइन, कॉस 30 डिग्रीज इज बेस अपॉन दिस, ओके, हाँ बेस क्या है बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है टेन, हाँ सर सेम आ रहा है। अब साइन निकाल, साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, देख सेम चीज आ गई, सेम चीज आ गई, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट अब तू इसको विजुअली याद कर, विजुअली याद कर, ये क्या हो जाएगा टेन कॉस थर्टी कोसाइन स्टिक्स, और ये साइन बोर्ड की तरह खड़ा हुआ है ना, समझ गए, है ना, समझ गए, टेन कॉस थर्टी और दूसरा वाला परपेंडिकुलर वाला टेन साइन थर्टी, परपेंडिकुलर वाला टेन साइन थर्टी, यही तो मैंने यहां पे किया, मैंने बोला ये देख इस पे ये हाइपोटेनस है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो देखो विजुअली देखो, ये हो जाएगा वन कॉस थर्टी, ये हो जाएगा वन कॉस थर्टी, समझे फर्क समझे, विजुअली कर दिया मैंने, ओरली कर दिया था इसको, वन कॉस थर्टी वन कॉस थर्टी, बताने में मजा नहीं आता बट वैसे आता है समझ में। कोसाइन स्टिक्स, रिमेंबर दिस, कोसाइन स्टिक्स, चिपक जाता है कोसाइन, और साइन बोर्ड है ना, साइन बोर्ड ऐसे कहते हैं। अब करेंगे असली चीज, अब करेंगे असली चीज, और बच्चों अब आएगा असली मजा। अभी तक तो तुमने क्या किया है, ये तो बच्चों के काम होते हैं, ये सब तो वैसे ही कर लेते सर हम थोड़ी सी मेहनत कर करके। अब हमें असली सवाल करने हैं, वेक्टर को ऐड करना सीखना है हमें सर, बट सिंपल रूल से स्टार्ट करेंगे। इसको कहते हैं रेक्टेंगल लॉ, ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा रेक्टेंगल, ये हमने पहली बार अनअकैडमी जेई पे ही बताया था आपको रेक्टेंगल लॉ। एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ होता है, बट मैं तुम्हें रेक्टेंगल लॉ से बताऊंगा हर चीज स्टार्टिंग में। रेक्टेंगल लॉ से समझोगे मजा आएगा, सच बता रहा हूं मजा आएगा। एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, अभी तक हमें पता था सर ये कुछ यहां पे जाएगा, सर ने कहानी बताई थी, ये 5 और 5 10 देते हैं, यहां पे 5 और 5 0 देते हैं फोर्सेस, है ना, यहां पे 5 और 5 10 देते हैं, तो 10 और 0 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, है ना। तो बेसिकली 10 और 0 के बीच में यहां पे है ना जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ आएगा, मैंने बोला था 5√2 आएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं, हमेशा ध्यान रखना इसको, जब भी दो फोर्सेस आपको गिवन है, और यार यहां पे ये गिवन है कि 90 डिग्रीज है ना, आपको एक फोर्स यहां पे दे दिया, एक फोर्स यहां पे दे दिया, कंप्लीट द रेक्टेंगल। कैसे कंप्लीट करेंगे सर, एक एक साइड एरी, एक साइड एरी, इसके पैरेलल टक 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 ये ड्रॉ करो, इसके पैरेलल एक टक 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 यहां पे ड्रॉ करो, रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया सर, रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट द रेक्टेंगल। पहली चीज रेक्टेंगल को कंप्लीट करो। अब तुम्हें मजेदार बात बताता हूं, तुमने 5 न्यूटन स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया था, ये 5 लेंथ का ही है, ये भी 5 लेंथ का ही है, तो ये जो रेक्टेंगल बना है इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो तेरा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तेरा रिजल्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसका डायरेक्शन भी, उसका डायरेक्शन भी। तो बेसिकली जो तूने रेक्टेंगल कंप्लीट किया है, अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, मैं बोल सकता हूं ध्यान से देखना, ये जो रेक्टेंगल तूने कंप्लीट किया है ये इक्विवेलेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है, ये इसका रिजल्टेंट है, थोड़ा ऐसे डबल एरो मार्क करते हैं। तो या तो तू ये दोनों फोर्स लगा दे, या तो तू ये फोर्स लगा दे एट एन एंगल थीटा जो हमें पता है 45 डिग्री आता है, बट तू दोनों निकालेगा, तू दोनों निकालेगा, या तो तू ये दोनों फोर्स लगा ले, या तू आर लगा ले, आर पता है क्या है, इसकी लेंथ है, यहां पे मैं दोनों मार्क कर रहा हूं, एवरीवन मंगतापना नहीं चलेगा, मंगतापना मतलब यहां पे या तो तुम ये दोनों लोगे या ये लोगे, समझ गए, तुम दोनों नहीं ले सकते,
सुनना मेरी बात, दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 and 5, 5 न्यूटन 5 न्यूटन. या तो तुम ये दोनों लगाओ या ये वाला ले लो, ठीक है. ये तो इन दोनों का, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं है. ये तो मैंने एक ही डायग्राम है, स्पेस बचाने के लिए मैंने बोला इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, मैंने बोला इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा. अब निकाल, निकाल इसका रिजल्टेंट. ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा. लिख दे, ये भी 5 है, ये भी 5 है. रिजल्टेंट कितना हो गया? 5√2. रिजल्टेंट क्या हुआ? इसकी लेंथ, यही तेरा रिजल्टेंट फोर्स है, 5² + 5² तो ये हो जाएगा. एवरीवन ध्यान से देखो, 2 × 5² तो ये कितना आया? 5√2. मेरा रिजल्टेंट कितना है? 5√2. 5 × 1.4 है ना, ये 7.5 से थोड़ा कम आएगा. 5√2 तेरा आंसर है. और अब तेरे से कोई पूछेगा एंगल भी बताओ, एंगल भी बताओ जहां पे ये जा रहा है. टेन थीटा लगा, दिस अपॉन दिस, टेन थीटा कितना आ रहा है? दिस साइड अपॉन दिस साइड, 5/5. बताओ थीटा कितना आ गया? टेन इनवर्स, टेन थीटा 1 कब होता है? 45 degrees पे. टेन इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू 5/4 रेडियन और 45 degrees. मजा आया, समझ में आ गया? तूने 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का रेक्टेंगल लॉ ट्रिक से, ट्रिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, किसी किताब में गिवन नहीं है, बट तेरे को समझाने के लिए समझाया, क्योंकि हमने बिल्डअप ऐसे किया, हमने बिल्डअप ही ऐसे किया, वेक्टर स्केलर का डिफरेंस समझा, डिफरेंस समझने के बाद रेक्टेंगल लॉ का ट्रिक समझा कि यार यहां पे एक ये लग रहा है, रेक्टेंगल कंप्लीट कर, रिजल्टेंट निकाल ले. और जो डायगनल है, डायगनल इज ऑलवेज रिजल्टेंट, इस ट्रिक, इस चीज को याद रखना, डायगनल इज ऑलवेज रिजल्टेंट. मैं तेरे को बाद में भी बताऊंगा ये चीज, डायगनल इज ऑलवेज रिजल्टेंट. 5√2 आ गया, एंगल भी आ गया. अब एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, यहां पे 5√3. 5 ये लंबा है, देख थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा कम है. अब बताओ अब कैसे करोगे? अब निकालो रिजल्टेंट. सर सबसे पहले मुझे रेक्टेंगल को कंप्लीट करने दो, रेक्टेंगल को कंप्लीट करने दो. ये 5√3 है, ये 5 है, तो यार ये लेंथ भी 5√3 होगी और ये 5 होगी. मैंने एक रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दिया है. 90 degrees पे थे. अभी तुमने क्या सीखा है? तुमने ये सीखा है कि अगर दो फोर्सेस ऐसे हों तो ऐड कर दो डायरेक्टली, ऐसे हों तो सब्ट्रैक कर दो डायरेक्टली, ऐसे होंगे तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना. कैसे आता है? रेक्टेंगल ट्रिक से सीखा, रेक्टेंगल बनाया. अब मुझे साक्षात पता है, नमो सर, अब मुझे साक्षात पता है कि इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये चीज यहां पे जाएगी, ये चीज इस एंगल पे जाएगी और दिख रहा है ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, ये 45 डिग्री से ज्यादा बड़ा होगा, ये बड़ा है ये छोटा है. टेन थीटा पहले ही निकाल लो. ये चीज कहां पे जाएगी? रेक्टेंगल बना के हमने निकाल लिया है ना. टेन थीटा कितना है? दिस अपॉन दिस कितना आया? √3. थीटा क्या हुआ? 60 degrees आ गया सर, 60 degree आ गया. मतलब रिजल्टेंट इसका 60 degree पे. इसकी वैल्यू भी निकाल, आर की वैल्यू भी निकाल ले जल्दी से. डायगनल क्या होगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट. जल्दी से बताओ क्या होगा ये? 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5² जल्दी से निकालिए सर. क्या आएगा? जल्दी क्या आएगा? एवरीबडी निकाल लो ना, है ना. तो क्या है ये? √3x प्लस दिस, तो 3 2x 10 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
तो 2x 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 10 न्यूटन आ जाएगा। तो अब आपने निकाल लिया, रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। इसका क्या मतलब है, अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो, व्हाट डज दिस मीन, मीनिंग, मीनिंग ऑफ दिस, जो भी हमने कचरा किया है उसका मीनिंग समझो, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था 5√3, ये था 5, इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट है टू व्हाट, नमो सर टू व्हाट, ठीक है, 60 डिग्रीज पे। ध्यान से देखो कि यार यहां पे मैंने 10 न्यूटन लगा दिया 60 डिग्रीज पे, सेम बात है, सेम बात है,
या तो तू एक ये फोर्स लगा या ये दोनों लगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये है। या तो तू ये दोनों फोर्सेस लगा दे, ये भी 10√10 से इस डायरेक्शन में जाएंगे, या तो एक लगा दे। समझ आ गया फर्क? तो यहां पे हमने दोनों ड्रॉ कर दिए। इसका मतलब ये नहीं है अगर तूने ये फोर्स और ये फोर्स मार्क करेगा तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 10 और 10, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 10 आएगा और तुमने 10 और लगा रखा है। सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। तो इट्स अ सुपर पोजिशन, मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। मतलब ये जो डायग्राम है ना, ये स्पेस बचाने के लिए डायग्राम, ये स्पेस बचाने के लिए है। मैं बताना चाह रहा था तुझे, मैंने दिया था ये, मैंने बोला था ये दोनों वेक्टर्स कितने होंगे, अगर ये यहाँ पे होते हैं दोनों तो तू ऐड कर लेता 5 + 5√3, यहाँ पे होते तो बोलता 5√3 - 5। बट जब मैंने उसको 90° पे किया तो तूने बोला 10। कैसे निकाला? सर मैंने डायग्राम बनाया, मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट किया, मैंने डायगनल की लेंथ को बोल दिया, रिजल्टेंट, उसके डायरेक्शन को बोल दिया, उसके डायरेक्शन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल को बोल दिया, उसका डायरेक्शन टैन इनवर्स आ गया सब कुछ। जल्दी से क्वेश्चन करिए। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, ठीक है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो यार, इसी डायरेक्शन में +1 न्यूटन ले लो, ठीक है, इसको -1 न्यूटन ले लो, है ना, 3 बड़ा है। तो जल्दी से बताओ ये क्या हो जाएगा। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ड्रॉ टू स्केल। रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम तुम्हें अगर तुम स्केल 5 है 5 बड़ा होता है। ड्रॉ करो सर, 5 न्यूटन ड्रॉ कर लिया। ये क्या है? 2 न्यूटन है सर, यहाँ पे खाली 2 न्यूटन है, तो इसके आधे से भी कम में ड्रॉ करो। ये इसका रिजल्टेंट निकालना है, क्या होगा? √5² + 2² √29। करके दिखाते हैं। अब देखो तुमने क्या किया, रेक्टेंगल को कंप्लीट किया। डबल एरो से रिजल्टेंट मार्क कर रहा हूं जस्ट टू शो यू कि रिजल्टेंट है। तुमने बोला ये आर है, ये इसका एंगल थीटा है, तुम्हें पता है ये 2 है तो ये साइड भी 2 होगी। जल्दी से टैन थीटा तो निकाल ही लो। टैन थीटा लगे हाथ, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 2/5, ये हो गया 0.4। तो थीटा आ गया तुम्हारा टैन इनवर्स 2/5। तेरे को एंगल पता है विद द हॉरिजॉन्टल, तेरे को डायरेक्शन पता है, पूछा नहीं था बट तूने निकाल दिया। जल्दी से बता, है ना, आर क्या होगा? आर हो जाएगा √√2² + 5² आर क्या हो गया? √29। दोनों चीजें आ गई, तूने पूरी सिचुएशन ड्रॉ कर दी, तूने एंगल भी बता दिया, तूने रिजल्टेंट भी बता दिया, काम खत्म। तुझे अल्टीमेटली पता था यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ पे 5 लग रहा है, 90° पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे ऐड करते हैं तुझे पता है, √√2² + 2² मजा आ गया सर। पाइथागोरस थ्योरम से तूने निकाल लिया, तूने क्या अप्लाई किया जो तेरे को ऑलरेडी आता था, रेक्टेंगल। मैंने तुझे बस एक चीज बताई कि 2 फोर्स लग रहे हैं 90° पे, रेक्टेंगल कंप्लीट कर, डायगनल इज द रिजल्टेंट। बता, वेक्टर कर रहा है तू यार, 90° वाला कर रहा है ना, इट इज सो मच बेटर। वॉच एनी लेक्चर 1 एनीवेयर, इतनी फील आ जाए बता देना मुझे कमेंट्स में। जल्दी से बताओ, सिंपल, ये तूने निकाला, फिर से बता रहा हूं, तूने निकाला तो यार दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये तो कोई भी कर लेगा। उसके बाद दिस इज इक्विवेलेंट टू, रेक्टेंगल को कंप्लीट कर, √29, व्हाट इज दिस एंगल, टेन इनवर्स 2/5। ये या तो 29 √29 एक फोर्स लगा दे ऐसे, या तो ये दोनों लगा ले, ये दोनों सेम चीज है, इससे सेम ही चीज होगी, है ना, समझ गया है, समझदार हो तुम। चल अब जल्दी से करो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, लास्ट टू क्वेश्चंस, इसके बाद एक टफ क्वेश्चन करके तुम्हें भेजूंगा मैं। अभी तुम्हें एक वेक्टर तोड़ना सिखाऊंगा। अब तुम एक चीज समझे, तुम्हें जोड़ना सिखा दिया मैंने, 2 वेक्टर उनको जोड़ना सिखा दिया, अब तू इसको तोड़ भी तो सकता है, भाई उल्टा भी तो कर सकता है, अगर ये √29 है ना, तो तू ये साइड निकाल ले और ये साइड निकाल ले और इसको हटा दे, है ना, तो तेरे को ये करना आ गया है, तो तेरे को ये करना भी आ गया। एक वेक्टर को तोड़ना भी आना चाहिए तेरे को, अगर मैंने तेरे को बोला 5 और 5 से 5√2 लगता है, एट 45°, अगर तेरे को ये बात पता है तो इसको डायगनल बना, इसको तोड़ एक्स और वाई में, 1 से 2 भी कर, है ना, हड्डी पसली एक कर। इस वेक्टर को मैं तोड़ना चाहता हूं, नमो सर, इस वेक्टर को मैं तोड़ना चाहता हूं, लगा ना कोसाइन स्टिक्स, एक चीज सिखाई थी ना मैंने तेरे को,
ये साइड क्या होगी, कोसाइन स्टिक्स, ये हो जाएगा 5√2 cos 45 डिग्रीज, रेक्टेंगल बना लिया तूने, डायगनल से रेक्टेंगल बनाया, डायगनल से रेक्टेंगल बनाया, ये डायगनल था रेक्टेंगल बना दिया, है ना, एक हॉरिजॉन्टल बनाई यहाँ पे, एक वर्टिकल बनाई यहाँ पे, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहाँ से, है ना, बन गया रेक्टेंगल, ये क्या होगा, है ना, और ये दूसरा वाला क्या होगा, 5√2 साइन 45 डिग्रीज, ये आ गया तेरा 5, ये भी आ गया तेरा 5, ठीक है, तो जब तूने इसको तोड़ा तो 5 बन गया, समझ गए, तो तेरे को दोनों चीज़ें आनी चाहिए, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटाते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से 7 लग रहा है, यहाँ से 3 लग रहा है, जल्दी से बताओ एवरीवन, ये 7 है, ये 3 है, तो यार इसको -3 न्यूटन, मतलब टोटल 4 न्यूटन यहाँ पे है ना, ये 4 न्यूटन तुमने यहाँ पे लगा दिया, है ना, ये 2 है, ये 5 है ना, ये 2 है, ये 5 है, तो तूने क्या किया, इसको -2 न्यूटन ऊपर, है ना, ऑपोजिट थे तो इसको तूने 5 -2 कर दिया ऊपर, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 न्यूटन, करेक्ट आंसर है 5 न्यूटन, एंगल भी निकालते हैं, डोंट वरी, 3, 4, 5 का एक बहुत ही शानदार ट्रायंगल होता है, IIT में सबसे ज़्यादा यूज होता है, IIT में सबसे ज़्यादा यूज होता है, अब ध्यान से देखना, ये जो है एवरीबडी, इसको फिर से बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, हमेशा इस ट्रायंगल को याद रखना, हमेशा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होती है, 6, 3, 4 और 5, हमेशा इस ट्रायंगल को याद रखना, 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, √3² + 4² 5 होता है, 3, 4, 5, अब इसको डबल करेगा, इसी को 2x जूम, है ना, तुम्हारे पास मोबाइल होते हैं ना 2x जूम, तो ये हो जाएगा 6, 8, 10, ये सेम ट्रायंगल है, ये सेम ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये 37 डिग्री होता है, ये जस्ट गुड टू नो है, दिस इज गुड टू नो, समझ गए मेरी बात, 37, छोटा एंगल छोटा साइड, बड़ा एंगल बड़ा साइड, तो ये हो जाएगा 53 डिग्रीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, θ 90 - θ, समझ गए, 3, 4, 5, ये 37 डिग्री होता है, तो tan 37 होगा 3/4, sin 37 होगा 3/5, है ना, cos 37 होगा 4/5, तो ये ट्राइंगल को याद रखना, इस ट्राइंगल को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले बता रहा हूं, 6, 8, 10, अब देखो यहां पे 3 था, तो तुमने ये 3 यहां पे बना दिया, 4 थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है नमो सर, इसीलिए डबल एरो मार्क कर रहा हूं, रिजल्टेंट है ना, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा सर, रिजल्टेंट क्या होगा, इस एंगल को भी निकालो, इस एंगल को बोल दिया थीटा, ठीक है, रिजल्टेंट निकालो सर, रिजल्टेंट होगा कितना, √ ये 3 है, ये 4 है, 3² + 4² निकालोगे, यह आ जाएगा 9 + 16 √25, तो यह आ जाएगा 5, रिजल्टेंट आ गया 5, tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 3/4, है ना, 3/4, ठीक है जी, 3/4 आ गया, तो यार यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, थीटा हो जाएगा 37 डिग्रीज, है ना, ये 3, 4, 5 का ट्राइंगल है, ठीक है, 3, 4, 5 का ट्राइंगल है, tan थीटा 3/4 है ना, तो 37 डिग्रीज, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, tan 37 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 3/4, sin 37 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 3/5, और cos 37 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 4/5, एंड बाकी चीज़ें तो तुम स्मार्ट हो ही यार, ये क्या हो जाएगा, cos 53 डिग्रीज 90 माइनस, और ये हो जाएगा cos, नहीं, हो जाएगा sin 53, ठीक है, ये sin 53 हो जाएगा, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, अब ये भी निकालेंगे, अब सुनो, जैसा कि मैंने बताया था, तुम्हें अब तोड़ना भी आना चाहिए, यू शुड नो, यहां से यहां आ जाना, और यार यहां से यहां जाना, ब्रेकिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ते कैसे हैं, ब्रेकिंग अ वेक्टर, ये है ब्रेक, ये है ब्रेक, ये है रिजल्टेंट, वेक्टर को तोड़ना, वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है, यहां पे तुम सीखोगे ब्रेकिंग अ वेक्टर, वेक्टर को कैसे तोड़ते हैं, मैंने अभी तुम्हें एक ट्रिक बताई थी बच्चों, कोसाइन स्टिक्स बताया था, याद करो, है ना, ये 5 है, तो यार ये तुमने सबसे पहले वेक्टर बना दिया, रिजल्टेंट तुम्हें दे दिया था, तुम्हें रिजल्टेंट मैंने पहले ही दे दिया था, ठीक है, ये रहा तुम्हारा रिजल्टेंट,
डबल एरो वाला, ये 5 ऑलरेडी दे दिया था, बोला था ये 30 ये थीटा है, तो यार तुमने क्या किया यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनाया, इस यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनाया, यहाँ पे एक वर्टिकल बनाया, यहाँ पे भी तुमने एक हॉरिजॉन्टल बनाया, वर्टिकल बनाया, रेक्टेंगल मिल गया है, रेक्टेंगल मिल गया है, वही रेक्टेंगल तूने यहाँ पे छापा। तो यार जल्दी से देख ले ये साइड क्या होगी, बताया था ना कोसाइन स्टिक्स मैथ्स में यूज करते हैं इसको, तो यार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा तेरा आर साइन थीटा, है ना, या 5 साइन थीटा या 5 कॉस थीटा। तो इसका मतलब अगर मैं इस पे 2 फोर्सेस लगाता हूँ, 5 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा, ये बात बराबर है, ये बात बराबर है, या तो मैं ये दोनों फोर्सेस लगाऊं या मैं खाली ये लगाऊं, या तो समझ गया मेरी बात, यहां से तू ये ला सकता है यहां से, ठीक है। और अब तू देख ना मजेदार चीज देख, अगर अगर मेरे को कोई बोले इसका रिजल्टेंट निकालो, अगर मुझे कोई बोले कि इसका रिजल्टेंट निकालो, चल निकालते हैं 5 cos थीटा, क्या इसका रिजल्टेंट 5 आता है एट एन एंगल थीटा, देखते हैं। अगर मुझे कोई ये सवाल देता है, चलो अगर किसी ने मुझे सवाल दे दिया है ना, इसको इसको देखते हैं, अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है ना एवरीवन, ये अलग चीज़ है, यहाँ तक जो भी करना था कर लिया। अगर मुझे कोई बोलता है इसका रिजल्टेंट निकालो, नमो सर इसका रिजल्टेंट निकालो, कोई नहीं निकालते हैं, रेक्टेंगल कंप्लीट किया, हमने बोला इसका रिजल्टेंट क्या है आर, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये 5 cos थीटा है तो ये कितना हो जाएगा सेम 5 sin थीटा, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 5, ये 5 आ जाएगा, 5 स्क्वायर को कॉमन ले ले अंदर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, तो 5 आ गया। अब कोई बोलेगा नमो सर ये एंगल थीटा भी निकाल, थीटा नहीं सर, थीटा तो गिवन है सर, इस एंगल को अल्फा बोलते हैं, थीटा तो ऑलरेडी गिवन है प्रॉब्लम में, इस एंगल को अल्फा बोलते हैं सर, ये अल्फा क्या आता है, टेन अल्फा बोल, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस 5 साइन थीटा अपॉन 5 कॉस थीटा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, अल्फा भी तेरा थीटा आ गया, रिवर्स प्रूफ हो गया इसका, इसी का रिवर्स प्रूफ हो गया, समझ गए मेरी बात। तो अगर एक वेक्टर को तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, कोसाइन स्टिक्स एंड द अदर वन लाइक दैट, सिंपल। किसी भी वेक्टर को तुम तोड़ सकते हो और दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हो, जोड़ना सिखाया उसी का रिवर्स तोड़ना हो गया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर दो वेक्टर दो फोर्सेस लग रहे हैं 5 और 5, या एक लग रहा है 5√2 से तू 5 ला सकता है और 5 से तू 5√2 ला सकता है। इसमें प्रोफेशनसी लिया लाइफ में बता रहा हूं, बहुत झंडे गाड़ेगा तू, हर मैदान फतेह करेगा तू, जल्दी से इसको कर, एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। अब अगर तूने इसको कर दिया तो तू सच में रॉकस्टार है बच्चे, ये 37 डिग्री है, जो भी नॉलेज जो भी बच्चा इसको खुद से कर सकता है ना, वो सच में बता रहा हूं, सल्यूट टू दैट पर्सन। अगेन अगर तुम पहली क्लास में वेक्टर के, यू आर द एब्सोल्यूट बेस्ट, तुम बने फिजिक्स के लिए, अगर तुम इसको कर दोगे, इसको कर दोगे तो तुम यू आर मेड फॉर फिजिक्स, पहले बता रहा हूं, एक सेकेंड में कर जल्दी से। मैंने बोला था ना ये ऐसे गिवन है, इसको तोड़ डाल, इस वेक्टर को तोड़ डाल ऐसे और ऐसे, जल्दी से तोड़ डाल, बस अब नहीं सहन होता सर, अब हम तोड़ेंगे, अब हम तोड़ेंगे सर, अब हम फोड़ेंगे। चलो कोसाइन स्टिक्स होता है, टक 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 टक, तो आपने इस वेक्टर को तोड़ लिया एवरीवन, तो आपने कैसे तोड़ा, इसको तोड़ दिया ना, तो देखो 5 को मैं तोड़ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये 5 देखो 37 डिग्री है, तो कोसाइन स्टिक्स देखो, कोसाइन स्टिक्स यहां पे 37 है, तो 5 कॉस 37 डिग्रीज, ये हो जाएगा 5 साइन 37 डिग्रीज, 37 डिग्री का एंगल, ये ट्राइंगल याद रखना, छपा हुआ होना चाहिए माइंड में, 37 डिग्रीज 3, 4 और 5, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो यहाँ से, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो यहाँ से, है ना, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, जल्दी से देखो 4 और 1 टोटल कितना है, 4 और 1 5, ठीक है, इसको तो तुम इसमें ऐड कर लेते, तो यार ये कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, इसको तो तुम -1 न्यूटन कर लो, तो ये कितना हो गया 3 न्यूटन, ठीक है। अब सुनना, जो तुमने तोड़ा था, जो तुमने तोड़ा था है ना, ये कितना होगा 5 cos 37 डिग्रीज, 5 sin 37 डिग्रीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 10:37 कितना होता है, sin 37 कितना होता है 3/5, है ना, cos 37 कितना होता है
4/5, ये तुम्हें वैल्यूज मैं दे रहा हूं, आई हैव गिवन दिस टू यू। जल्दी बताओ क्या होगा, निकाल लिया, नमो सर अब हमने निकाल लिया, ये क्या है, ये चीज 4 है, ये चीज 3 है, अगर ये चीज 3 है तो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया और 4 और 5 9 हो गया, रिजल्टेंट इसका नॉन न्यूटन। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत ही ब्यूटीफुल उमदा सवाल था, ये उमदा सवाल था। किसी भी वेक्टर को तोड़ना, फिर से रिवाइज करा देता हूं, किसी भी वेक्टर को तोड़ना हो, ध्यान से देखो, एक्स और वाई में तोड़ना हो कैसे तोड़ते हैं, नमो सर फिर से एक और बार बता दो, यहां पे एक वेक्टर है 5 न्यूटन, यहां पे एक वेक्टर है 7 न्यूटन, ठीक है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज, दिस एंगल इज 37 डिग्रीज, कैसे तोड़ोगे, फिर से बता रहा हूं, कैसे तोड़ोगे, कोसाइन स्टिक्स होता है, 7 cos 30, रेक्टेंगल जब तुम कंप्लीट करोगे तो तुम इसको ऐसे तोड़ोगे, पहले तो तोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा 7 cos 30 degrees, कोसाइन स्टिक्स। दूसरा वाला जो होता है वो साइन होता है, 7 sin 30 degrees, ठीक है, इसको भी तोड़ो, है ना, ये एंगल ऐसे गिवन है तो ऐसे कोसाइन स्टिक्स, है ना, कोसाइन स्टिक्स, 5 cos 37, लर्न दिस एल्गोरिदम, बहुत फास्ट हो जाओगे, वेक्टर को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो, एक वेक्टर यहाँ है, क्या है क्या है क्या है इसका रिजल्टेंट, तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, देखते हैं सबका सही आना चाहिए। चलो गाइस, आई थिंक दैट वाज अबाउट इट। उसके अलावा बस यार एंड में एक बहुत ही पेट्रियाटिक चीज शेयर करना चाहता हूँ, जो ये टीम बहुत दिलो जान से काम कर रही है, #JEELIVEDelhi की टीम, सारा इंडिया पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ेगा, 11th लाइव डेली जाता है बच्चों, 6 से लेकर 10:30 बजे, अभी अश्वानी सर की आपकी क्लास है, अटेंड कर लेना, टाइम पे पहुंचना, 1:30 से लेकर 6 PM दोपहर में आपके 12th लाइव डेली जाता है, तो अब 11th लाइव डेली जाएगा, 12th लाइव डेली जाएगा, हर दिन आपके सारे लेक्चर्स होंगे, ज्यादा लेक्चर्स होंगे, JPPs लंबे सेशन होंगे, ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और जल्दी हम स्केड्यूल आपको कंप्लीट करके देंगे, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर तक, अक्टूबर मैक्स नवंबर मिड, उसके बाद हम बहुत सारा रिविजन करेंगे। JEE लाइव डेली के साथ बने रहोगे तो बेटा आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, 9 लाख से 10 लाख बच्चे JEE देते हैं, और आपको पता है डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे यहां पे आते हैं, livedaily.me/JEE, तो इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पिन कर रखा है, अगर ये आपका खुले ना तो फिर यहां पे भी आपको सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा, इंश्योर कि आप सबके सब टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, t.me/namochat, नमो कॉल के नाम से। उसके अलावा अनअकैडमी JEE का जो टेलीग्राम चैनल है, दैट इज t.me/livejee, इंश्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस ऑल्सो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीचर इन द कंट्री टुडे, एंड नॉट जस्ट ऑन अनअकैडमी, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस गोल्स। और आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो आप भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना अभी के अभी, और वहां पे डेडिकेशन जरूर दे देना, है ना, हमारे सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं, चाहे फिर वो प्लस के हों, स्पेशल क्लासेस के हों, वो दोनों, मतलब इट्स अ हाइब्रिड थिंग, आप दोनों से पढ़ोगे आपका बहुत भला होगा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ब्रतिन ऑल्सो डिड। तो यार अगर कोई हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है तो वहां पे बेनिफिट क्या है, तो बेटा तो यूट्यूब अगर एक गोल्ड माइन है तो ये एक डायमंड माइन है। डायमंड माइन क्यों है नमो सर, क्योंकि यहां पे 15 से 20 लाख बच्चों को तो आप केटर नहीं कर सकते, बट अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, अपने गुरुओं का फेस टाइम पाना चाहते हो, ज्यादा पर्सनलाइज्ड वे में लाइव पोल्स, लीडरबोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग और इंटरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हो विद अ JEE एडवांस्ड लेवल इंटेंसिव एनवायरनमेंट, DPP एनवायरनमेंट, क्विजेस, वीकली टेस्ट सीरीज, JEE को एग्जैक्टली सिमुलेट करने वाला प्लेटफॉर्म, और जहां पे आपको क्लियर विजुअलाइजेशन अपनी खुद की परफॉर्मेंस का पता चलता रहे कि कैसे 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 आप कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो, टॉपर के कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जरूर आओ। इट इज द क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टीचर्स विद द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल, क्योंकि यहां पे इंडिया की नंबर वन टीम पढ़ाती है। अब यहां पे टीचर चेंज, बैच चेंज नहीं होगा, अगर आपको इंडिया की नंबर वन टीम से पढ़ना है आप उनके बैच में एनरोल कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा, टीचर चेंज बैच चेंज नहीं होता, इंस्टेड यहां पे टीचर आप खुद चूज करते हो। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। उसके अलावा आप सोचो, कोटा के टॉप एजुकेटर्स वाइब्रेंट, न्यूक्लियस, बंसल्स, सब यहां पे। उसके अलावा आप ये सोचो, टॉप ऑथर्स, DC पांडे सर, यू नेम इट एंड वी हैव इट बच्चों, है ना, थॉमस कैलकुलस, रेसनिक हैलिडे, ये आपके
सेंगिस पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, जीआरबी, मतलब यू नेम इट, वी हैव इट. वी हैव 18 प्लस टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री टीचिंग यू लाइव. उनसे आप साक्षात लाइव पढ़ो. बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि रैंक 1 से लेकर रैंक 1000 ऐसी कोई रैंक नहीं होगी जो इन टीचर्स ने प्रोड्यूस नहीं करी है. ब्रतिन मोंदली आप में से एक था, अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल पे पढ़ा, साथ साथ ये प्लस पे भी पढ़ा. एंड बच्चों बताना चाहता हूं, ही वाज वेरी रेगुलर, बहुत मेहनती था, प्योर ऑनलाइन का बच्चा, एंड ही क्रैक्ड द बेस्ट रिजल्ट इन द लेटेस्ट जेई दिस ईयर. और उसके साथ साथ कितने सारे 99.9 प्लस परसेंटाइल वाले भी बच्चे हैं. वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इज बिकॉज ऑफ अनअकैडमी. एंड दैट इज व्हाई अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लेना, या अकेडमी पे अकाउंट क्रिएट कर लेना, अनअकैडमी.com, आईआईटी जेई सेलेक्ट करना, प्लस सेलेक्ट करना. एंड इट इज वेरी सिंपल, अनअकैडमी पे जाके जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे ना, प्लस या आइकॉनिक, तो ये नीचे एक कोड लगाने का ऑप्शन आता है. यहाँ पे आप नमो लाइव या नमो NAMOLIVE या नमो कोड यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्राइसेस स्लैश हो जाएंगे. यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. ये दोनों रेकमेंडेड है ना, 11th, 9th और 10th के बच्चों के लिए 24 मंथ, 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स. अगर आप आधा आधा साल लेट हो जाओ है ना, तो आपके लिए ये वाले सब्सक्रिप्शन है. उसके अलावा 3 महीने और 1 साल खाली उनके लिए है जो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, ठीक है. उसके अलावा ये कोड नमो या नमो लाइव, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो बच्चों एक चीज मैं बताना चाहता हूं, दिल मेरा धड़कता है आपके लिए. क्यों धड़कता है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यार ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का. इससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस और बाकी सारे एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस आपकी फ्री हो जाती हैं इस कोड के साथ. यूसैट में आपको फ्री एंट्री मिलती है, प्रोडिजी में आपको फ्री एंट्री मिलती है. तो यार आप ये कोड जरूर इस्तेमाल करिए. और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैट पे, तो आपको ऐसे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जहां से आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो कंटेंट को, ठीक है. प्लस लेना चाहिए या आइकॉनिक, तो बच्चों आइकॉनिक इज द वर्ल्ड की बेस्ट ऑफरिंग है, क्योंकि यार यहां पे आपको पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है. मतलब जस्ट एग्जैक्टली स्पोर्ट्स में जैसे कोच होता है ना, बताता है कि क्या सही करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली मोटिवेटेड इंस्पायर्ड रखता है जैसे कोच, तो वही चीज आपको यहां पे मिल जाती है आइकॉनिक में. तो यार आप वो डेफिनेटली उसको अपना सकते हो. बट बहुत सारे बच्चे प्लस लेते हैं, बाद में भी आप इसको आइकॉनिक में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत एक्सपेंसिव है. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है. तो अगर आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा अमाउंट एक साथ पे नहीं कर सकता, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन ले लो. प्लस ले लो अगर आपको लगता है ज्यादा प्राइस है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर द आइकॉनिक इन द फर्स्ट गो, ठीक है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस. एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू टेक पार्ट इन अनअकैडमी कॉम्बैट ऑल्सो. फ्री एंट्री मिलेगी नमो या नमो लाइव से. It happens every Sunday, so be a part of that. And thank you so much, bachchon. Really love you all for the great feedback that you are giving us. Hai na, Unacademy Instagram stories pe. Instagram stories pe aap mujhe tag karna, mention karna, bilkul na bhule. Kyunki yaar ye is cheez ke liye hamara dil zarur dhadakta hai. #JLiveDaily, #Let's Crack It. Ye dono cheeze kar lena yaar. 0.0 rupees ya aapka 3.0 ka cost hai. Ye dono dab jane chahiye. Ye like ka target hai. 10,000 likes. 10,000 likes in the first month में अगर आपको 10,000 से कम दिखे तो ये जरूर दबा देना यार, है ना. इससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा लगता है. कुछ है नहीं बट छोटे, आपके लिए कुछ नहीं है बट हमारे लिए ये जहां है बच्चों, ये टीम रियली लुक्स अप टू यू. तो आप डेफिनेटली अपनी स्ट्रीक बरकरार रखना. स्ट्रीक 1, 2, 3, 4 अटेंड करते करते डेली स्ट्रीक का नंबर बढ़ेगा. जिस दिन आपने मिस कर दिया, स्ट्रीक वापस से बन हो जाएगी. स्ट्रीक आपको 200 करनी है इंस्टाग्राम स्टोरी से, हमें पता रहेगा एवरी टाइम यू मेंशन. अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे हमें मेंशन करते हो एक फोटो लेके या एक छोटा सा वीडियो लेके, हम आपकी स्टोरी को शेयर करेंगे. वी विल सेंड यू डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस. थैंक यू सो मच गाइस. लेट्स क्रैक इट. #JLiveDaily, #SaraIndia बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा. बहुत जल्दी मिलते हैं. जय हिंद.